सेल्फ राहुल, 40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया बहुत बड़ा ट्विस्ट जिससे मेरी लाइफ ही बदल गई दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं विनर्स एंड लूजर्स लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है सोलो विटनेस इसलिए तुम हमारा साथ कंबन गांव जाती चेन्नई एक्सप्रेस तो ले एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है ईसा यू नो टीचर डॉन निकला था ah! तुमने मेरी छुट्टी कर दी वॉज ऑल अबाउट ऑफ टाइम इजी लगता है मोनी का डांस इजी नहीं है डांस ना एक पूजा है। डांस एक आर्ट है आर्ट underestimate the power of a common man. Oi to na. Ayyo. Bina mat ko kaat dalega. मेरी डिक्शनरी में impossible का शब्द ही नहीं है अच्छा कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी हमने तो एक दिन में अपना सब कुछ खो दिया और कभी भी पलट जाते जब से मेरी लाइफ में आई हो माई लाइफ फक्स वक्सर इज ओम क्यों आई मेरे पास

एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है यू नो छुट्टी मनाने निकला था hey! तुमने मेरी छुट्टी कर दी Underestimate the power of a common man. कोई तो नाइन मेरी डिक्शनरी में impossible का शब्द ही नहीं है अच्छा कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी जब से मेरी लाइफ में आई हो life लाइफ What? वक्स

अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन यह सुहास शहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में कई बार बोलते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस की टीम ने कॉमन मैन के कॉमन सेंस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी है लगता है शहरुख खान दूसरे कलाकारों की इटली डोसा छाप फिल्मों की सफलता को देख खबर आ गए हैं और उन्होंने भी उस लकीर पर चलने की कोशिश की एंटरटेनमेंट के नाम पर कॉमन सेंस को किनारे रखा और नतीजे में चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म सामने आती है जिसमें मनोरंजन नामक इंजन नहीं है इस फिल्म में शाहरुख खान ने अपने किरदार का लकी नाम राहुल रखा डी के सीन दोहराए निर्देशक रोहित शेट्टी ने कारें उड़ाई कॉमेडी के नाम पर आइटम्स रखे आइटम सॉन्ग रखा लेकिन सब बेकार मनोरंजन के नाम पर जो हरकतें की गई हैं वो बिल्कुल लुभाती नहीं हैं यह फिल्म पूरी तरह से सपाट है कहानी बेहद साधारण है राहुल यानी शाहरुख खान को अपने दादा की अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित करना है वह मौज मस्ती के लिए गोवा जाना चाहता है लेकिन अपनी दादी को चकमा देने के लिए वह मुंबई से चेन्नई एक्सप्रेस में सवार हो जाता है ताकि अगले स्टेशन से उतर वह गोवा की ओर चल पड़े जैसे ही ट्रेन चलती है मीना यानी देवका पातकोड़ प्लेटफार्म पर दौड़ लगाती हुई आती हैं राहुल अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बोगी में बिठा लेता है पीछे तीन चार लोग और आते हैं उनकी भी वह मदद कर देता है बाद में उसे पता चलता है कि वो लोग गुंडे हैं और मीना का अपहरण करके गांव ले जा रहे हैं राहुल अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और मीना को बचाने की कोशिश में उसके गांव तक पहुंच जाता है मीना के पिता गांव के डॉन रहते हैं और दूसरे गांव के एक डॉन से उसकी शादी करवाना चाहते हैं मीना यह शादी नहीं करना चाहती और राहुल को अपना प्रेमी बता देती है इसके बाद राहुल और मीना भागते रहते हैं और डॉन के गुंडे उन्हें ढूंढते रहते हैं मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा में दोनों के साथ कई घटनाएँ घटती हैं और प्रेम के बीच अंकुरित होते हैं इस कहानी में कई छेद हैं रोहित शेट्टी की यह खासियत है कि वे प्रसंगों को इतना मज़ेदार रखते हैं कि दर्शक कहानी की कमियों को इग्नोर कर देते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में रोहित का यह जादू नदारद है लिहाजा बार बार कमियों की ओर ध्यान जाता है जैसे देविका के गांव में जाकर शहरों फंस जाता है मोबाइल उसके पास नहीं रहता है कहीं से मोबाइल का इंतज़ाम होता है तो उसे एक भी नंबर याद नहीं रहता जबकि कितनी भी कमज़ोर यादाश्त हो दो चार नंबर तो याद ही रहते हैं पुलिस उसकी नहीं सुनती क्योंकि वह डॉन से डरती है लेकिन वह दूसरे गांव में रहने के बावजूद वहां की पुलिस की मदद नहीं लेता उसकी कोशिश यह नहीं दिखाती कि वह दीपिका के पिता के चंगुल से निकलने के प्रति गंभीर है चेन्नई एक्सप्रेस की एक और बड़ी खामी यह है कि दीपिका और शहरुख को छोड़ कोई भी किरदार दमदार नहीं है आमतौर पर रोहित शेट्टी ढेर सारे किरदारों को लेकर फिल्म बनाते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में कैमरा शाहरुख खान दीपिका पर इतना ज़्यादा फोकस रहता है कि कोप्त होने लगती है किरदारों की कमी महसूस होती है फिल्म में ढेर सारे संवाद तमिल में हैं रोहित जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं वो यह कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म में ज़्यादातर संवाद तमिल में सुनने को मिले यदि रोहित तमिल भाषियों को हिंदी बोलते हुए भी दिखा देते तो कोई हर्ज नहीं था फिल्म की हीरोइन को तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए दिखाया है जो कि तमिल भाषी है मसाला फिल्मों के रोहित शेट्टी काबिल निर्देशक माने जाते हैं उन्हें पता रहता है कि किस मसाले का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना है लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में उनका अनुपात गड़बड़ा गया है इंट्रोल के पहले उन्होंने मात्र एक गाना रखा है और दूसरे हिस्से में कई गाने हैं इस फिल्म से रोमांस भी नदारद है शाहरुख खान रोमांस के बादशाह माने जाते हैं और कहानी की भी यह मांग थी कि मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा के दौरान फिल्म के दोनों किरदारों से रोमांस पैदा किया जाए लगभग दो तिहाई से भी ज़्यादा फिल्म गुजरने के बाद दोनों किरदारों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है कई ऊट पटांग प्रसंग देख दर्शक थक चुके होते हैं इंटरवल के पहला वाला हिस्सा उबाऊ है प्रसंगों को बहुत लंबा रखा गया है ख़ासतौर पर ट्रेन में सहरुख का और गुंडों के दृश्य की लंबाई बहुत ज़्यादा है कई दृश्य ऐसे हैं जिनका कहानी से कोई वास्ता ही नहीं है मसलन जंगल में शहरु को और एक बौने पर फिल्माया गया दृश्य दीपिका के रात में सपने देखने वाला दृश्य शाहरुख दीपिका का गाने गाकर बातें करना दीपिका को गोद में उठाकर शाहरुख का मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना जैसे कुछ उम्दा दृश्य भी हैं लेकिन इनकी गिनती कम है खास बात यह कि कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फुहरता से दूरी बनाकर रखी गई है एक औसत स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन से उठकर शाहरुख खान ने अपने कंधों पर फिल्म खींचने की भरपूर कोशिश की है लेकिन उनके लिए भी यह भार कुछ ज्यादा ही है अपनी चिरपरिचित स्टाइल में उन्होंने अभिनय किया है और क्लाइमैक्स में उनका अभिनय बेहतरीन है कहा जा सकता है वह एकमात्र कारण हैं जिनकी वजह से फिल्म में थोड़ी रुचि बनी रहती है कॉकटेल ये जवानी है दीवानी जैसे फिल्म में आधुनिक लड़की के किरदार निभाने के बाद दीपिका ने देसी गर्ल का रोल निभाया है उच्चारण और अभिनय के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और परिणाम सुखद रहा है कॉमिक सीन में उनकी टाइमिंग भी अच्छी रही है सत्यराज और नितिन धीर के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था फिल्म का म्यूजिक हिट तो नहीं है लेकिन तितली वन टू थ्री फोर सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं रोहित शेट्टी शाहरुख खान और दीपिका पादकौड़ के नाम से जिस कमर्शियल और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म की उपेक्षाएं पैदा होती हैं उस पर चेन्नई एक्सप्रेस खड़ी नहीं उतरती यह एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि लोकल गाड़ी की तरह चलती है चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन फिल्म है शाहरुख खान दीपिका पातकोड़ फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने 226 करोड़ रुपए का कारोबार किया था इस फिल्म को निर्देशित किया था रोहित शेट्टी ने इसके निर्माता हैं गौरी खान रोनी स्क्रीवाला सिद्धार्थ राय कपूर पटकथा इसकी यूनिस साजवाला की इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर ने छायाकार है इसके डुडले संपादक है इसके स्टीवन एच नोबार्ड ने स्टूडियो इस था इसमें रेड सिलीज एंटरटेनमेंट का वितरक है इसके यू टू मोशन पिक्चर्स ये आठ अगस्त दो को यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी और नौ अगस्त दो को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी यह एक मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत थी सिपर हंड्रेड फिफ्टी टू नाइन हंड्रेड मिलियन और इसने कुल कारोबार किया था 3.95 अरब डॉलर चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में राहुल यानी शाहरुख खान चालीस वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक है जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा लेक टंडन और दादी कामनी कौशल ने पाल पोस बड़ा किया है उसके दादा की आखिरी इच्छा थी उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रवाहित कर दिया जाए उनकी इच्छा के अनुसार वो उनकी अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है वैसे उसकी असल योजना होती है कि वो अपनी रामेश्वरम यात्रा को बीच में छोड़कर दो रास्तों के साथ छुट्टियां मनाने गोवा चला जाए ट्रेन में उसकी मुलाकात एक तमिल लड़की मीना यानी दीपिका पादकोट से होती है कुछ लोग मीना का अपहरण करना चाहते हैं और मीरा उनसे बचने का प्रयास करती है मीना के पिता सत्यराज कुंभन गाँव के कुख्यात डान हैं उन्होंने ही मीना के पीछे उसका अपहरण करने के लिए अपने रिश्तेदारों को भेज रखा है वो मीना की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध थंगा बलि यानी निकतन धीर से करना चाहते हैं इसी कारण से मीना घर से भाग जाती है राहुल अपनी योजना के अनुसार गोवा नहीं जा पाता क्योंकि वो परेशानी में घिरी मीना को देखता है और महसूस करता है कि उसे मदद की आवश्यकता है इस प्रकार उन दोनों में प्यार हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है इस फिल्म में पहला गाना था वन टू थ्री फोर जिसे गाया था विशाल डडलानी हंसिका अय्यर श्री शरण कस्तूरी रंगन ने दूसरा सॉन्ग था तितली जिसे गाया था गोपी सुंदर चिन्मरी श्रीपाद ने तीसरा सॉन्ग था तेरा रास्ता छोड़ो ना जिसे गाया था अनुषा मढ़ी अमिताभ भट्टाचार्य ने चौथा सांग था कश्मीर महतु कन्याकुमारी जिसे गाया था सुनिधि चौहान अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने पाँचवांग था रेड्डी पो जिसे गाया था मचास बिद अतुदे अत के विशाल डटलानी बोधा वी ओम स्मोकी और इंकोरे नोटली डी लुक्यो ने छठा सांग था चेन्नई एक्सप्रेस जिसे गाया था एस पी बाला सुब्रमण्यम और जेनीटा गांधी ने चौथवा सांग था तली जो की डब स्टेप संस्करण में था जिसे गाया था जोहेब खान और फोनिक्स ने आठवां सांग था चेन्नई एक्सप्रेस जो कि मैशप में था जिसको बनाया था डीजे जे किरण कामत ने और नवा सांग था लुंगी डांस जिसे गाया था योयो हनी सिंह ने चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में मिली जुली समीक्षाएं मिली थी चेन्नई एक्सप्रेस भारत की विश्व स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने में सफल रही थी इस फिल्म ने कुल 3.95 बिलियन की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फ़िल्म ने थ्री इडियट्स द्वारा बनाए गए उच्च मानक रिकॉर्ड को तोड़ दिया था करीब डेढ़ महीने के प्रमोशन के बाद देश विदेश में पहली बार लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज हुई बॉलीवुड के किंग खान की इस फिल्म के टाइटल ने पहले ही साफ कर दिया था कि कुछ नया देखने की चाह में थिएटर का रुख करने वालों को इस एक्सप्रेशन ट्रेन की सवारी शायद पसंद ना आए ओम शांति ओम के करीब छः साल बाद दीपिका पादकोड़ और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से जबरदस्त क्रेज बना रहा बॉक्स ऑफिस पर अब तक सभी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा था करीब पाँच साल पहले रोहित शेट्टी ने के सुभाष की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया था इसी बीच रोहित ने अपनी हर नई फिल्म स्टार्ट करने से पहले इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्चा होने वाले मोटे बजट की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली पिछले साल रोहित ने इस महंगे प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कॉरपोरेशन कंपनी और अपने दोस्त करीम मुरानी के साथ काम शुरू किया इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहले किसी बॉलीवुड मूवी में नजर नहीं आई फिल्म का जबरदस्त प्लस पॉइंट है पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशन में शूट बेहतरीन एक्शन सीन कलरफुल माहौल कास्ट्यूम के साथ रोहित स्टाइल में कारों के प्रके उड़ाते सीन फिल्म की खासियत है शहरुख दीपिका की लीड जोड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म के ज्यादातर कलाकार साउथ से हैं बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में करीब चालीस साल के हो चुके शहरुख यानी राहुल की अब तक शादी नहीं हुई है वैसे राहुल के शादी न करने की दूसरी बड़ी वजह उनके अपने दादा यानी लेक टंडन और दादी यानी कामनी कौशल के साथ प्यार है राहुल जब आठ साल का था तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए राहुल अपने दादा की इसी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलता है चेन्नई जाने वाली ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना और मुनाम्मा यानी दीपिका पादकोड़ से होती है इसी ट्रेन से मीनाम्मा अपने गांव कोम्बन जा रही है लेकिन राहुल को पता नहीं है कि मीनाम्मा को उसके गांव जबरन ले जाया जा रहा है इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ना चाहकर भी राहुल को मुनाम्मा के साथ उसके गांव जाना पड़ता है गांव में मीनामा के पिता दुर्गेश्वरा यानी सत्यराज का दबदबा है पूरा गाँव उनके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार है बिन माँ की मीनामा अपने पिता की कमजोरी है दुर्गेश्वरा अपने पास के गांव में रहने वाले तंग बाली यानी निकतन धीर के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है इसी बीच राहुल और मीनामा एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन इन दोनों के रीति रिवाज कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं हैं शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन किए हैं जिनसे आज तक वह बचते रहे हैं राहुल का किरदार शहरुख कितनी बार निभा चुके हैं वह शायद उन्हें भी ना मालूम हो राहुल में दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे कि राज की झलक दिखती नजर आती है वह इन रोल से पहले शहरुख अपने किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाए दीपिका ने बेहतरीन तरीके से किरदार निभाया है बेशक इस फिल्म को रिलीज से पहले प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी स्टाइल का कहा जा रहा था लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफ़ी कमजोर है अगर एक्शन सीन और गजब लोकेशन को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमज़ोर है है। कहानी की रफ्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है कश्मीर में तो कन्याकुमारी फिल्मांकन देखने लायक है इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्चा किया उतने में सीबिट बजट की कोई फिल्म बन जाती वही दूसरी फिल्म के गानों में टिपिकल साउट टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं है जो मूवी हॉल से बाहर आने के बाद भी जुबा पर रहे विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमजोर साबित हुआ है बेहतरीन लोकेशन साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने पर्दे पर नहीं देखा हो रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल अदिति लोकेशंस फिल्म का प्लस पॉइंट है द कमज़ोर स्क्रिप्ट शहरों की ओर एक्टिंग और धीमी रफ्तार ज़रूरत से ज़्यादा साउथ को टच फिल्म की बेहद कमजोर कड़ी है चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की थी और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी अपनी मजबूत शुरुआत के चलते यह फिल्म तीन दिन में ही सौ करोड़ रुपये की कमाई करने में सफल हो गई थी पहले सप्ताह के बाकी दिनों में भी फिल्म ने अपना उम्दा प्रदर्शन जारी रखा जिससे फिल्म ने एक सप्ताह के अंदर ही 150 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म ने दूसरे और तीसरे हप्ताह में कुछ हद तक कलेक्शन में गिरावट दिखा कलेक्शन में ग्राउंड दिखाकर घरेलू मार्केट में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी यहां तक कि इसकी दुनिया भर की कमाई को मिलाकर कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे हैं खास करके लुंगी डांस उस समय की तरह आज भी प्रसिद्ध है यह फिल्म हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है इस फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म पर एक एंड्रॉयड गेम लॉन्च हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी की पहली फिल्म है जिसमें सुपरस्टार अजय देवगन नहीं थे फिल्म की मुख्य भूमिका के रूप में दीपिका पातकोर से पहले कैटरीना कैफ को यह रोल मिल रहा था इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने असल में दीपिका पाथकोड़ को मंदिर की तीन सीढ़ियों तक उठाया था फिल्म की कास्ट में अभिनेत्री का नाम अभिनेता से पहले दिखाया गया है फिल्म का टाइटल पहले रेडी पोर रखा गया था राहुल यानी शाहरुख खान 40 साल का हो चुका है और अब तक अनमैरिड है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव थे वो मुंबई का रहने वाला है और अपने दादा की लास्ट बिज पूरी करने के लिए उनकी एसएच लेकर रामेश्वरम जाना चाहता है इसके लिए चेन्नई एक्सप्रेस से सवार होता है इसी जर्नी में उसकी मुलाकात साउथ के छोटे गांव से गांव कुंबन के रहने वाली मीना यानी दीपिका पातकोर से होती है मीना गांव के डान की बेटी है इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन बनती हैं कि राहुल को मीना के साथ उसके गाँव जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चेन्नई एक्सप्रेस की ये जर्नी राहुल के लिए ऐसा सफ़र बन जाती है जिसमें सेल्फ रिलजन के साथ साथ जिंदगी का भी सबक पढ़ने को मिलता है इस छोटी सी स्टोरी लाइन को पढ़कर लगता है कि यह फिल्म एक सीधी साधी लव स्टोरी है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस फिल्म में किंग ऑफ रोमांस का रोमांटिक अंदाज है दीपिका की मिसचिवियस प्रेजेंस है और रोहित शेट्टी स्टाइल का एक्शन है कॉमेडी के परफेक्ट तरक के साथ फिल्म हिट होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आप शाहरुख से तो यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वे अपने परफेक्ट लवर वाले टैलेंट को भूल सकते हैं और उनके एक्टिंग टैलेंट पर किसी को शक नहीं है दीपिका इस फिल्म में बेहद कॉन्फिडेंस हैं क्योंकि सक्सेस आपको इतना ब्रेव तो बना ही देती है बाकी कमाल रोहित का है जो अपनी फिल्म पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं रोहित की फिल्में एक पर्टिकुलर ट्रैक पर चलती है अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचती है और हाल के बाहर आते हुए आप काफ़ी हल्का फुल्का फील करते हैं अगर आप फिल्म में कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए यह फिल्म कोई थॉट प्रोवोकिंग फिल्म नहीं है बल्कि फुल बॉलीवुड मसाला एक्शन कॉमेडी है जिसे रोमांस का वर्क लगा कर परोसा गया है शहरों का टिपिकल रोमांटिक अंदाज़ और ठंडा लगता गुस्सा दीपिका का एक खास स्टाइल से लव को डिज़ाइन करते करते उसमें डूब जाना और रोहित का कार चेज की गाड़ियों से ब्लास्ट करवाना इस फिल्म में वो सब है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सिवाय एक चीज़ के जिसे हम नावल्टी कहते हैं लेकिन वन टाइम वॉच और फुल टू मसाला एंटरटेनमेंट के लिए इस बात को इग्नोर किया जा सकता है विशाल शेखर का म्यूजिक ठीक है कुछ सॉन्ग जैसे तेरा रास्ता छोड़ो ना और एक दो तीन सुनने में अच्छे लगते हैं और कभी गुनगुनाए जा सकते हैं लुंगी संग फुट टाइपिंग है शाहरुख खान की मौजूदगी में बाकी एक्टर्स को कर करने के लिए कुछ खास बचता नहीं है पर फिर भी निकेतन अच्छे लगे हैं वो तो अगर शाहरुख के प्रेशर में ना कर केवल अपने ही तरीके से काम करते तो फिल्म और भी बेहतर बनती पर प्रोड्यूसर से पंगा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता खैर फिल्म एक बार देखना बनता है क्योंकि इसमें सभी वो चीज़ें हैं जो आपको पसंद है वैसे भी फेस्टिवल पर सीरियस कौन होता है इंजॉय करने का यह मूवी अच्छा बहाना है चेन्नई एक्सप्रेस शुरू होती है दादा पोते की कहानी से फिल्म में राहुल यानी शाहरुख खान अपनी परवरिश करने वाले दादा की मौत के बाद उनकी अस्थियां विसर्जित करने ट्रेन पर निकलता है रामेश्वरम की ओर लेकिन असल में उसकी प्लानिंग कुछ और ही है दरअसल वह चाहता है कि वह इस ट्रेन से उतर कर गोवा जाए और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है और वह ट्रेन से नहीं उतर पाता क्योंकि यहाँ उसे मिल जाती है मीना लोची यानी दीपिका पादोड़ और उसके बाद राहुल गोवा पहुँचने की जगह पहुँच जाता है चेन्नई जहां शुरू होता है भाग दौड़ और लुका छिपी का खेल फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का मकसद है लोगों को एंटरटेन करना जिसमें यह फिल्म कामयाब रही है यानी यह मास इंटरटेनर फिल्म है फिल्म में काफ़ी जगह अच्छी कॉमेडी और अच्छे सीन हैं डायलॉग भी काफ़ी मजाकिया लिखे गए हैं चालीस की उम्र में राहुल यानी शाहरुख खान के किरदार पर क्या टिप्पणी करे क्योंकि शाहरुख खान अपने ही अंदाज के मालिक हैं और यहाँ तक कि बादशाह भी उधर दीपिका पातकोर ने भी दक्षिण भारतीय लड़की के किरदार को बाखूबी निभाया मीना की भूमिका में जान डाल दी है फिल्म में शाहरुख खान ने अपनी ही पुरानी फिल्मों के सीन और पुराने डायलॉग्स को काफ़ी मजाक अंदाज में पेश किया है जिन्हें देखकर और सुनकर हंसी आती है डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपने अंदाज़ के सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और वही चेन्नई एक्सप्रेस में भी नज़र आता है लेकिन जब शाहरुख खान और रोहित शेट्टी जैसे दो मास्टर एक साथ आए हों तब उम्मीद की जाती है कुछ ज़्यादा की कुछ नए की यानी कॉमेडी और रोमांस के भरपूर तड़के की इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन तो है लेकिन शाहरुख खान के होते हुए भी रोमांस की कमी है उधर फिल्म की कहानी में नयापन नहीं है क्योंकि बिना मर्जी के करवाई जा रही शादी से भागती लड़की की कहानी हम कई बार देख चुके हैं और हीरो उसे कैसे बचाता है यह भी हमने फिल्मों में देखा है बस नया कुछ है तो वह है साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया का मिलन शाहरुख खान के बाकी फिल्मों के मुकाबले चेन्नई एक्सप्रेस का संगीत भी साधारण है सो चेन्नई एक्सप्रेस का सफ़र हसीन तो है लेकिन कुछ नया नहीं है 9 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस इसको रिलीज हुए छः साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नज़र आई थी रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए थे इस फिल्म में दीपिका पहली बार साउथ की लड़कियाँ के किरदार में नज़र आई थी और उनका रोल लोगों को काफ़ी पसंद आया था चेन्नई एक्सप्रेस में पहली बार रोहित शेट्टी और शाहरुख खान साथ काम किए थे इसके गाने से लेकर डायलॉग तक सब कुछ काफ़ी फेमस हुआ था लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए देविका पातकोड़ पहले पसंद नहीं थी आइए हम आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्से नंबर वन फिल्म का गाना वन टू थ्री काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसमें नज़र आने वाली साउथ की एक्ट्रेस प्रियामढ़ का डांस भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि प्रियामढ़ का बॉलीवुड कनेक्शन है ये विद्या बालन की कजिन है नंबर टू बॉलीवुड में दीपिका पादकोर से पहले रोहित शेट्टी ने यह रोल करीना कपूर को ऑफर किया था करीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें फिल्म ऑफर हुई तब वो तालाश को अपने डेट्स दे चुकी थी और इसलिए इसे ना कहना पड़ा नंबर थ्री सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं फिल्म का टाइटल चेन्नई एक्सप्रेस भी रोहित शेट्टी की पहली पसंद नहीं थी रोहित तो उसे साउथ टच देने के लिए इसका नाम रेड्डी स्टडी पो रखना चाहते थे लेकिन फिल्म में ट्रेन से दीपिका और सेहरू की प्रेम कहानी का, का कनेक्शन जोड़ने की वजह से इसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस रख दिया गया और रेड्डी स्टडी पो को इसके टाइक की तरह इस्तेमाल किया गया नंबर फोर इस फिल्म में दिखाया गया कि ऊटी का खूबसूरत सीन आपको काफ़ी पसंद आया होगा नंबर फोर इस फिल्म में दिखाया गया ऊटी का खूबसूरत सीन आपको बहुत पसंद आया होगा लेकिन ये सीन ऊटी में शूट नहीं हुए थे बल्कि वहाँ के लोकेशन को पंचगनी में क्रिएट किया गया था फिल्म के आर्ट डायरेक्टर नरेंद्र रोहारकर ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए इस काम को अंजाम दिया था नंबर no. फाइव इस फिल्म में दीपिका पातकोड़ के साथ एक सीन शूट करते वक्त शाहरुख खान घायल हो गए थे इस वजह से उन्हें बाद में अपने कंधों की सर्जरी भी करनी पड़ी थी नंबर no. सिक्स चेन्नई एक्सप्रेस पहली बॉलीवुड फिल्म बनी जो इंडिया और पेरू दोनों जगह एक साथ रिलीज हुई थी अगर आप शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस को उस साल की बिगेस्ट रिलीज मान रहे हैं तो गलत हो सकते हैं बिगेस्ट तो नहीं लेकिन यह फिल्म ऐसी है कि अगर आप इसे देखोगे तो गारंटी बोर नहीं होगी और अगर ना देखी तो भी चलेगा यानी कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो आपने आप में कभी ना सुनी हो लेकिन हाँ कॉमेडी इंटरटेनिंग है चालीस साल का सिंगल मर्द अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता है पहले दादाजी राहुल से अधिक प्यार करने के चलते उसे शादी करने नहीं देते फिर उसकी मौत के बाद जब राहुल गोवा जाने वाला होता है तब दादी जी राहुल को दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रामेश्वरम भेजना चाहते हैं दादी को बेवकूफ़ बनाकर गोवा जाने के चक्कर में उसे चेन्नई एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है बस उसी ट्रेन में हीरो यानी शहरुख खान यानी दीपिका को उसके गुंडे भाइयों से बचाने की कोशिश करता है और यही से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के स्टाइल में चल पड़ती है एक लव एक्सप्रेस चेन्नई में कम्बन गांव के डॉन की बेटी होती है चेन्नई में कोम्बन गांव के डॉन की बेटी होती है मीढ़ा जो अपने अपा की पसंद से लड़के से शादी नहीं करना चाहती और भाग रही होती है इसी चक्कर में डॉन राहुल की ज़िंदगी का भी दुश्मन बन जाता है फिर कैसे राहुल हिम्मत जुटाता है और अपने भाई से कई ज़्यादा तगड़े गुंडों और डॉन दुर्गेश्वर से भिड़ता है और अंत में दिमाग नहीं दिल से सभी को जीतता है यही है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी रोहित शेट्टी की इस कॉमेडी एक्शन फिल्म में एक्शन तो है लेकिन एकदम आम इसलिए फिल्म में सिंघम, दबंग और खिलाड़ी के एक्शन की उम्मीद ना करें जहां तक बात कॉमेडी की है तो आपको यह फिल्म देखने के दौरान आपको हंसी आएगी इसकी तीन वजहें हैं नंबर वन आम तौर पर जब भी कोई आपके सामने जानबूझकर किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो आप समझते नहीं हैं तो आपको हंसी आती है बिल्कुल ऐसे ही फिल्में कॉमेडी की अहम वजह है तमिल भाषा जो देविका यानी चेन्नई की मीना मौर्फ मीना लोचनी तो ठीक से जानती है लेकिन मुंबई के रहने वाले शाहरुख खान नहीं समझते और तमिल भाषा के हर शब्द का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं गलत उच्चारण भी करते हैं इसी वजह से लोगों को हंसी आ जाती है हालाँकि ये खबरें भी थी कि साउथ इंडियन कम्यूनिटी ने इस पर ऐतराज़ भी जताया है है। लेकिन तब दीपिका ने यह सफाई दी थी कि रोहित शेट्टी और वो खुद भी साउथ इंडियन ही हैं इसलिए ऐसा नहीं करेंगे जैसा दीपिका के पिता का किरदार निभा रहे सत्यराज जब शहरुख से तमिल भाषा में बात करते हैं और कहते हैं कि तमिल मेरी माँ है तब तमिल भाषा नहीं जानने वालों को हंसी आती है इसके जवाब में शहरुख कहते हैं यह मेरी माँ के बारे में क्या बोल रहा है दिलचस्प बात यह है कि कहानी में कॉमेडी के लिए शहरुख ने अपनी खास फिल्मों की लाइनें ही चुनी हैं जैसे आई एम राहुल एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शहरुख को रोमांटिक और डॉन वाले किरदार ज्यादा सूट करते हैं शहरुख ने इस फिल्म के साथ पहली बार फुल कॉमेडी में हाथ हजमाया है कहीं कहीं पर आपको शहरुख के एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर नजर आएंगे फिर भी शहरुख ने कॉमेडी इसलिए खींच ली क्योंकि साजिद और फरहाद ने कॉमेडी डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं रोहित शेट्टी की फिल्म और गाड़ियों के साथ स्टंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में डबल मीनिंग कॉमेडी नहीं है यानी पूरा परिवार इस फिल्म को साथ बैठ देख सकता है इसके अलावा फिल्म देखने की पाँच वजह हैं नंबर वन सुपरस्टार शाहरुख खान जो करोड़ों दिलों की धड़कन का बादशाह है इस बार सलमान नहीं बल्कि शाहरुख ने ईद पर फिल्म रिलीज की थी ऐसे में खान की ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ गई थी फिर शाहरुख की पॉपुलर्टी तो सात समंदर पार ही थी अब तो सलमान और शाहरुख खान भी दोस्त बन गए थे यानी सलमान के फैंस शाहरुख के ऐसे में टिकट खिड़की पर लंबी लाइन तो तय थी नंबर टू फिल्म में कोई भी एस्टिमेट सीन नहीं है ऐसे में आप पूरे परिवार के साथ यह फिल्म देख सकते हैं नंबर थ्री साल 2007 में देविका ने शहरू के अपोजिट फिल्म ओम शांति ओम में अपना डेब्यू किया था ऐसे में दर्शक यह जरूर जानना चाहते थे कि इस बार दोनों की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी नंबर फोर शाहरुख को दीपिका से जब कोई सीक्रेट बात कहनी होती है तब वो गाना गाकर अपनी बात कहते हैं और दीपिका भी हिंदी में गाना गाकर जवाब देती हैं ताकि उनका कोई तमिल भाषी रिश्तेदार समझ न जाए यह फिल्म का बेस्ट पार्ट है साउथ की स्टार प्रियमड़ी का आइटम नंबर आपका दिल लुभाएगा और आपको डांस फ्लोर पर जाने के लिए मदद करेगा नंबर फाइव डायरेक्शन में रोहित शेट्टी की अपनी छाप है आप यह भी कह सकते हैं कि यह फिल्म शाहरुख नहीं रोहित शेट्टी की है इससे पहले भी रोहित गोलमाल सीरीज की फिल्मों में कॉमेडी में अपनी स्टैप लगा चुके हैं रोहित की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन और एक्शन फिल्म सिंघम ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था कॉमेडी में रोहित की महारत देख ही शाहरुख ने इस फिल्म के लिए पहली बार में हामी भर दी थी खुद साउथ इंडियन होने का रोहित और दीपिका ने पूरा फायदा उठाया फिल्म के तमिल कैरेक्टर्स वाले एक्टर्स के चुनाव में कोई कमी नहीं रही थी फिल्म में दिखाया गया कि साउथ का शटअप आप आपको यही याद दिलाता रहेगा कि आप चेन्नई में हैं दीपिका के एक्शट और कहानी में दिखाई गई साउथ की खूबसूरती आपको पसंद आएगी गोवा हैदराबाद और मुंबई के अलावा फ़िल्म की शूटिंग केरल में भी हुई है लेकिन फिल्म की तीन वजहों के चलते आपको मायूसी भी हो सकती है नंबर वन फिल्म के अंत में सुपरस्टार रजनीकांत को ट्रिब्यूट कर दिया गया है गाने का नाम है लुंगी डांस यह वो गाना है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं लेकिन हनी सिंह की इस पेशकश को एंड में रखा गया है जब जनता थिएटर छोड़कर जाने लगती है वही फिल्म में बाकी गाने जिनका म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया है वो ठीक ठाक हैं लेकिन गाने इतने भी अच्छे नहीं हैं कि आप बार बार सुनना चाहें नंबर टू फिल्म में शाहरुख खान चालीस के दिखाए गए हैं शायर रोहित ने भी पहचान लिया कि अब बादशाह के चेहरे पर उनकी उम्र का पता चलने लग गया है और आप तो जानते ही हैं कि दीपिका को दर्शक रणबीर चौकी उनकी उम्र के हैं के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे तो दीपिका फिल्म में बेहद खूबसूरत लगी हैं लेकिन कहीं कहीं पर आपको दोनों की जोड़ी बेमेल लगेगी नंबर थ्री कहीं कहीं पर आपको यह भी लगेगा कि शाहरुख खान कॉमेडी के पास होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो उनकी और एक्टिंग भी पसंद कर लेंगे वरना यह मेहनत साफ नज़र आएगी यह है नया फ्लोवर। हीरो को जाना है गोवा और वह सवार हो जाए चेन्नई एक्सप्रेस में बातें ऐसे कि ना डबिंग की ज़रूरत और ना सबटाइटल की कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिनेमा की सांस्कृतिक रील में देश एकमे हुआ जा रहा है ये रोहित शेट्टी और शाहरुख खान का कॉकटेल है

बॉलीवुड के सबसे महंगे डायरेक्टर बन चुके रोहित शेट्टी से कई लोगों को शिकायत है कि वे अपनी फिल्मों में गोलमाल और बोल बच्चन ज़्यादा करते हैं ये लोग चेन्नई एक्सप्रेस में देख सकते हैं कि रोहित बिना चुटकुलेबाजी के, के भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं अपने रंग बिरंगे कैनवास पर तेज रफ्तार से उड़ती कारों के साथ शाहरुख को हीरो लेकर भी रोहित ने अपने अंदाज को बरकरार रखा है वही शाहरुख खान के लिए यह फिल्म नया एनर्जी ड्रिंक है वे अपने रोमानी रूप में पुराने राहुल ही लगे हैं और जब प्यार की कस्में खाते हैं तो सिनेमा हॉल में लड़कियों का दिल धक धक करने लगता है अगर आप अपने परदेस और दिलवाले वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे में शाहरुख खान को पसंद किया है तो वह आपको यहाँ भी अच्छे लगेंगे फिल्म में दीपिका पादोड़ का नाम पर्दे पर शाहरुख से पहले उभरता है जैसे जैसे चेन्नई एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ती है दीपिका अपनी साउथ इंडियन टोन के साथ दर्शकों पर छाने लगती हैं उनकी बोकवास दिल में उतरने लगती है अपनी नौकाओं को सम्मान देने के लिए शहरुख के अलावा कोई और हीरो फिल्म में होता तो वह दीपिका के परफॉर्मेंस से घबराकर उनके रोल पर कई चलवा सकता था दीपिका ने यहाँ पर खुद को अपनी प्रतिद्वंदी कैटरीना से मीलो आगे साबित किया है और बताया है कि वह अभी भी लंबी दूरिया तय करेंगी कैटरीना के साथ जब तक है जान करके शाहरुख खान नाकामी के किस भौर में फंसे थे दीपिका ने उन्हें उससे उबार दिया है रही बात फिल्म की कहानी की तो वह सीधी साधी और सरल है हीरो को दादाजी ने बचपन से पाला है सवे जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर को 99 रन पर आउट होते देख वे दुनिया को कूच कर जाते हैं उनकी इच्छा थी कि अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित की जाए हीरो इसी के लिए निकलता है लेकिन ट्रेन में उसे हीरोइन मिलती है जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं उसे बचाने की कोशिश में हीरो भी उसके चंगुल में फंस जाता है और आखिर माजरा क्या है पहले सीन में फिल्म कॉमिक टोन लिए हुए है अतः किसी भी कोर्ट से इसे गंभीर होकर देखने की कोशिश मीठे में मिर्ची तलाशने की तरह नाकाम साबित होगी ऐसा कतई नहीं है कि इस कॉमेडी को देखने के लिए दिमाग घर पर छोड़ के जाने की जरूरत है फिल्म में बहुत कुछ है जिसे दिमाग में दर्ज किया जा सकता है विशाल शेखर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है लेकिन हनी सिंह का अकेला लुंगी डांस उन सब पर भारी पड़ा है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान उनकी टीम और उनके फैंस के लिए ईद का इनाम थी इसमें जोश है ऊर्जा है गुदगुदी है फिल्म में दक्षिण का चाँद उत्तर के आकाश में निकला है एक ही संदेश के साथ लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इंडस्ट्री के वो अभिनेता हैं जिनके साथ हर एक्ट्रेस फिल्मों में काम करना चाहती है यहाँ तक कि दीपिका पादकोल ने भी अपने करियर की शुरुआत इस सार्के के साथ ही की थी शाहरुख खान अब तक कई एक्ट्रेस के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते दिखे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जिसने शाहरुख खान के साथ काम करने से मना कर दिया था हम बात कर रहे हैं साउथ की लेडी सुपरस्टार स्टार तारा की दरअसल नैन तारा को शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए अप्रोच किया गया था यह हम साफ कर दे कि नैन तारा को फिल्म में दीपिका के रोल के लिए नहीं बल्कि फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग वन टू थ्री फोर के लिए ऑफर मिला था जिसे नैन तारा ने रिजेक्ट कर दिया एक्ट्रेस ने बिना कारण बताते हुए ही बिनम तरीके से इस आइटम नंबर के लिए मना कर दिया हालांकि बाद में इस आइटम नंबर के लिए प्रियामणि को साइन कर लिया गया था फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी वही फ्रंट की बात करें तो नैन हाल ही में ब्लॉक बास्टर फिल्म अनथे में नजर आई थी जिसमें एक्ट्रेस थलाइवा रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखी थी नैनतारा को दरबार राजा रानी अरम इमायका नोदी गल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं शाहरुख खान पिछले काफी समय से बॉलीवुड से दूरिया बनाए हुए थे उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल शाहरुख खान एक बार फिर से कम करेंगे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की फिल्म पठान इसी साल रिलीज हो सकती है एक लड़का था सावलासा औसत चेहरे और कद काठी वाला उसने नब्बे के दशक में हमें सिखाया कि भोलेपन के साथ सही नीयत के साथ और स्मार्टनेस के साथ प्यार करो तो उसे हासिल भी किया जा सकता है उसने एक यकीन पैदा किया रोमानियत के इर्द गिर्द दर्जनों फिल्में बनी उस लड़के शहरों के इर्द गिर्द जिन्होंने इस फलसफे को नए अध्याय मुहैया कराए चेन्नई एक्सप्रेस अब अधेड़ होचले उस लड़के की यादों को बार बार नए ढंग से याद कराती है फिल्म की शुरुआत में ही डी, डी की तर्ज पर शाहरुख खान ट्रेन से लटकते हैं और दरवाजे की तरफ बेहताशा भागती देविका को हाथ बढ़ाते हैं इस फिल्म में शाहरुख की नई फिल्म छवियों को उनके स्टाइल को उनके गानों को बाखूबी इस्तेमाल किया गया है इसलिए शाहरुख के दीवानों को एक फिल्म में शाहरुख की जर्नी का रेफरेंस देखना लुभाता है एक और लड़का है रोहित शेट्टी पिता एक्शन डायरेक्टर सेट्टी थे सो उसने पहले ही फिल्म बनाई जमीन सो उसने पहली फिल्म बनाई ज़मीन उसमें जमकर एक्शन रखा मगर फिल्म नहीं चली रोहित को सबक मिला कि एक्शन तो ठीक है मगर पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने के लिए कॉमेडी की डोज भी चाहिए फिर सामने आई गोलमाल फ्रेंचाइजी बोल बच्चन और सिंघम जैसी फिल्में जिनमें इन दोनों का शानदार मेल दिखा अच्छे गाने सिचुएशनल कॉमेडी एक लव स्टोरी और एक ऐसा एक्शन हीरो जो कि हीरो बनता है और एक ऐसा एक्शन जो हीरो को हीरो बनाता है चेन्नई एक्सप्रेस में भी यही सब है मगर इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है शाहरुख खान एक बड़ा दांव था जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ चेन्नई एक्सप्रेस में शहरुख को रखने के फेवर में वो चीज़ मिसिंग हो गई जिसकी हमें आदत है अजय देवगन का भुजा पड़काता एक्शन इसके अलावा किरदार के ऊपर स्क्रीन इमेज भी ओवरलैप हो गई इन सब को भूल जाए तो रोहित शेट्टी की फिल्मों के दीवानों को निराश नहीं होना पड़ेगा चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी कुछ यूं है कि राहुल के माँ पापा नहीं हैं दादाजी थे लेकिन अब वो भी नहीं है मगर उसकी दादी का कहा कि राहुल को मुंबई से रामेश्वरम जाकर दादी की अस्थियाँ बहानी है मगर चालीस के हो गए और मस्ती के बहाने खोजते राहुल को तो दोस्तों के साथ गोवा जाना है दादी का मन रखने के लिए वो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होता है अगले स्टेशन पर उतरने के लिए मगर वो उतरता है एक ज़मीन पर दक्षिण भारत में जिसको लेकर लाख फंसाने हैं उत्तर भारतीयों के फिल्में देखकर किस्से सुनकर बने बोरियत से भरे और असलियत की जमीन पर हकलाने से बहरहाल राहुल को ट्रेन में मिलती है घर से शादी से बचने के लिए भागी मीना मीना के फेर में राहुल एक गांव में पहुंचता है मीना के डॉन पिता से मिलता है मीना के दावेदार एक पहलवान से दिखते युवक से मिलता है भागो बचो रुको फिर भागो इस फेर में प्यार हो जाता है और आखिरी में शहरुख के ही फिलासफी में कहे तो सब ठीक हो जाता है चन्ने एक्सप्रेस हिंदी फिल्म है मगर इसमें किरदार और लोकेशन के चलते तमिल का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है यह ज्यादातर दर्शकों को हंसाता है मगर दिल्ली की एक फिल्म देख कर, निकली पंजाबी अंटी के शब्दों में कहे तो इल्ले इले एक पॉइंट के बाद समझ नहीं आता तमिल के अलावा हिंदी जानने और ना जानने को लेकर गढ़ा गया हास ज्यादातर दर्शकों को अच्छा लगता है अगर आप अच्छे सिनेमा के शौकीन हैं तो खुद पर तरस खा सकते हैं मगर रोहित शेट्टी ने कभी इस ट्रिक को छुपाया भी तो नहीं तो शिकायत कैसी फिल्म के गाने अच्छे हैं और शहरों की रोमांटिक फिल्मों के एल्बम में कई नए नगीने जड़ते हैं वन टू थ्री फोर में प्रेमर ताजा दिखी हैं तितली गाने में देविका कई तरह के दक्षिण भारतीय साड़ियों में फूलों सबीश महकती खुशबूदार लगी हैं दूसरे गाने भी अच्छे हैं मगर एक वक्त के बाद आपको लगता है कि अब कहानी में कुछ जोरदार होना चाहिए गाना आ जाता है प्रसाद यही है रेगुलर मसाला हिंदी सिनेमा जहां पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने के लिए हीरो का हरे भरे मैदानों में मटकना मचलना लाजमी है फिल्म हमें दक्षिण भारत की तमीज़ और तरीके दिखाती है रोहित अब तक मुंबई गोवा में अटके थे मगर यहाँ एक नया भारत दिखता है झरने पहाड़ रंगीनीत से भरपूर गांव, खेत और समुंदर कैमरा वर्क और लोकेशन इन दोनों मोर्चों पर फतेह हासिल हुई है फिल्म को जैसा वादा है फिल्म में जमकर कॉमेडी है कभी गानों को ट्विस्टेड ढंग में गाकर संदेश देने की कवायद कभी तमिल और हिंदी के मेल से पैदा हुई हालात की कॉमेडी इन सब का कोटा पूरा हुआ तो बौना मिल गया कुछ मोटे लोग आ गए और इन सब की क्विट लानत मलानत करने के लिए राहुल ने दारू पीकर दंगा भी कर दिया रोहित को पता है कि सीरियस सिनेमा के लिए तमाम दिग्गज हैं मगर पब्लिक तीन घंटे और सैकड़ों रुपए का टिकट पाकर जो करने आती है वो है मज़ा और उनकी मूवी अपने तई खूब मजा देती है आम भारतीय दर्शकों को शाहरुख खान को प्यार करते देखना भाता है मगर यहाँ तो बिल्कुल आखिरी में एक प्रेमी के रूप में नजर आते हैं उससे पहले वह हालात से जूझते एक आदमी हैं ऐसे में वह कुछ नया बेहतर नहीं कर पाते कॉमेडी के लिहाज से कहे तो ज़्यादा जमे नहीं शहरुख दीपिका जरूर मीना के रोल में रमसी गई उनके और शहरुख के बीच की केमिस्ट्री लेकिन ज़्यादा कुल पैदा नहीं कर पाई शहरों का एक्शन भी उनकी कद काठी के चलते ज्यादा भरोसा पैदा नहीं कर पाता बार बार हवा में उछल कर शेर की दहाड़ के बैकग्राउंड स्कोर में झपट्टा मारते अजय देवगन याद आ रहे थे बाकी कलाकारों को सिर्फ हंसाना था और इस काम के लिए उनके मास्टर के रूप में रोहित तैनात थे अच्छा यह रहा कि रोहित टीम के रेगुलर फेस फिल्म में नहीं थे तो कुछ नयापन था फिल्म के प्रचार के दौरान दावा किया जा रहा था कि ये एक मुल्क में कभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं के तहजीबों के फर्क को दिखाती फिर पाठती नजर आएगी इसके लिए सबको पिरोने वाले धागों के रूप में चुनी गई एक प्रेम कहानी डोंट अंडर द पावर ऑफ कॉमन मैन यह सुहा शहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में कई बार बोलते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस की टीम ने कॉमन मैन के कॉमन सेंस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी है लगता है शाहरुख खान दूसरे कलाकारों की इटली डोसा छाप फिल्मों की सफलता को देख घबर आ गए हैं और उन्होंने भी उस लकीर पर चलने की कोशिश की एंटरटेनमेंट के नाम पर कॉमन सेंस को किनारे रखा और नतीजे में चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म सामने आती है जिसमें मनोरंजन नामक इंजन नहीं है इस फिल्म में शाहरुख खान ने अपने किरदार का लकी नाम राहुल रखा डी के सीन दोहराए निर्देशक रोहित शेट्टी ने कारें उड़ाई कॉमेडी के नाम पर आइटम्स रखे आइटम सॉन्ग रखा लेकिन सब बेकार मनोरंजन के नाम पर जो हरकतें की गई हैं वो बिल्कुल लुभाती नहीं हैं यह फिल्म पूरी तरह से सपाट है कहानी बेहद साधारण है राहुल यानी शाहरुख खान को अपने दादा की अस्थियाँ रामेश्वरम में विसर्जित करना है वह मौज मस्ती के लिए गोवा जाना चाहता है लेकिन अपनी दादी को चकमा देने के लिए वह मुंबई से चेन्नई एक्सप्रेस में सवार हो जाता है ताकि अगले स्टेशन से उतरकर वह गोवा की ओर चल पड़े जैसे ही ट्रेन चलती है मीना यानी देविका पातकोड़ प्लेटफार्म पर दौड़ लगाती हुई आती हैं राहुल अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बोगी में बिठा लेता है पीछे तीन चार लोग और आते हैं उनकी भी वह मदद कर देता है बाद में उसे पता चलता है कि वो लोग गुंडे हैं और मीना का अपहरण करके गांव ले जा रहे हैं राहुल अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और मीना को बचाने की कोशिश में उसके गांव तक पहुंच जाता है मीना के पिता गांव के डॉन रहते हैं और दूसरे गांव के एक डॉन से उसकी शादी करवाना चाहते हैं मीना यह शादी नहीं करना चाहती और राहुल को अपना प्रेमी बता देती है इसके बाद राहुल और मीना भागते रहते हैं और डॉन के गुंडे उन्हें ढूंढते रहते हैं मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा में दोनों के साथ कई घटनाएं घटती हैं और प्रेम के बीच अंकुरित होते हैं इस कहानी में कई छेद हैं रोहित शेट्टी की यह खासियत है कि वे प्रसंगों को इतना मज़ेदार रखते हैं कि दर्शक कहानी की कमियों को इग्नोर कर देते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में रोहित का यह जादू नदारद है लिहाजा बार बार कमियों की ओर ध्यान जाता है जैसे देविका के गाँव में जाकर शहरुख फंस जाता है मोबाइल उसके पास नहीं रहता है कहीं से मोबाइल का इंतज़ाम होता है तो उसे एक भी नंबर याद नहीं रहता जबकि कितनी भी कमज़ोर यादाश्त हो दो चार नंबर तो याद ही रहते हैं पुलिस उसकी नहीं सुनती क्योंकि वो डॉन से डरती है लेकिन वह दूसरे गांव में रहने के बावजूद वहां की पुलिस की मदद नहीं लेता उसकी कोशिश यह नहीं दिखाती कि वह दीपिका के पिता के चंगुल से निकलने के प्रति गंभीर है चेन्नई एक्सप्रेस की एक और बड़ी खामी यह है कि दीपिका और शहरुख को छोड़ कोई भी किरदार दमदार नहीं है आमतौर पर रोहित शेट्टी ढेर सारे किरदारों को लेकर फिल्म बनाते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में कैमरा शाहरुख खान दीपिका पर इतना ज़्यादा फोकस रहता है कि कोप्त तो होने लगती है किरदारों की कमी महसूस होती है फिल्म में ढेर सारे संवाद तमिल में हैं रोहित जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं वो यह कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म में ज़्यादातर संवाद तमिल में सुनने को मिले यदि रोहित तमिल भाषियों को हिंदी बोलते हुए भी दिखा देते तो कोई हर्ज नहीं था फिल्म की हीरोइन को तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए दिखाया है जो कि तमिल भाषी है मसाला फिल्मों के रोहित शेट्टी काबिल निर्देशक माने जाते हैं उन्हें पता रहता है कि किस मसाले का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना है लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में उनका अनुपात गड़बड़ा गया है इंट्रोल के पहले उन्होंने मात्र एक गाना रखा है और दूसरे हिस्से में कई गाने हैं इस फिल्म से रोमांस भी नदारद है शाहरुख खान रोमांस के बादशाह माने जाते हैं और कहानी की भी यह मांग थी कि मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा के दौरान फिल्म के दोनों किरदारों से रोमांस पैदा किया जाए लगभग दो तिहाई से भी ज़्यादा फिल्म गुजरने के बाद दोनों किरदारों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है कई ऊट पटांग प्रसंग देख दर्शक थक चुके होते हैं इंटरवल के पहला वाला हिस्सा उबाऊ है प्रसंगों को बहुत लंबा रखा गया है खासतौर पर ट्रेन में सरुख का और गुंडों के दृश्य की लंबाई बहुत ज़्यादा है कई दृश्य ऐसे हैं जिनका कहानी से कोई वास्ता ही नहीं है मसलन जंगल में शहरों को और एक बौने पर फिल्माया गया दृश्य दीपिका के रात में सपने देखने वाला दृश्य शाहरुख दीपिका का गाने गाकर बातें करना दीपिका को गोद में उठाकर शाहरुख का मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना जैसे कुछ उम्दा दृश्य भी हैं लेकिन इनकी गिनती कम है खास बात यह कि कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फोहरता से दूरी बनाकर रखी गई है एक औसत स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन से उठकर शाहरुख खान ने अपने कंधों पर फिल्म खींचने की भरपूर कोशिश की है लेकिन उनके लिए भी यह भार कुछ ज्यादा ही है अपनी चिरपरिचित स्टाइल में उन्होंने अभिनय किया है और क्लाइमेक्स में उनका अभिनय बेहतरीन है कहा जा सकता है वह एकमात्र कारण हैं जिनकी वजह से फिल्म में थोड़ी रुचि बनी रहती है कॉकटेल ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म में आधुनिक लड़की के किरदार निभाने के बाद देविका ने देसी गर्ल का रोल निभाया है उच्चारण और अभिनय के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और परिणाम सुखद रहा है कॉमिक सीन में उनकी टाइमिंग भी अच्छी रही है सत्यराज और निकतन धीर के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था फिल्म का म्यूजिक हिट तो नहीं है लेकिन तितली वन टू थ्री फोर सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं रोहित शेट्टी शाहरुख खान और दीपिका पादकोड़ के नाम से जिस कमर्शियल और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म की अपेक्षाएँ पैदा होती हैं उस पर चेन्नई एक्सप्रेस खड़ी नहीं उतरती यह एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि लोकल गाड़ी की तरह चलती है चेन्नई एक्सप्रेस रेड एंटरटेनमेंट के बैनर तले बने रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन फिल्म है शाहरुख खान दीपिका पातकोड़ फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने 226 करोड़ रुपए का कारोबार किया था इस फिल्म को निर्देशित किया था रोहित शेट्टी ने इसके निर्माता हैं गौरी खान रोनी स्क्रीवाला सिद्धार्थ राय कपूर पटकथा है इसकी यूनिस साजवाला की इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर ने छायाकार है इसके डुडले संपादक है इसके स्टीवन एच नोबार्ड ने स्टूडियो इस था इसमें रेड सिलीज एंटरटेनमेंट का वितरक है इसके यू मोशन पिक्चर्स ये आठ अगस्त दो को यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी और नौ अगस्त दो को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी यह एक मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत थी सिपर हंड्रेड फिफ्टी टू नाइन हंड्रेड मिलियन और इसने कुल कारोबार किया था 3.95 अरब डॉलर चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में राहुल यानी शाहरुख खान 40 वर्षीय अबुवाहित उत्तर भारतीय युवक है जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा लेक टंडन और दादी कामनी कौशल ने पाल पोस बड़ा किया है उसके दादा की आखिरी इच्छा थी उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रवाहित कर दिया जाए उनकी इच्छा के अनुसार वो उनकी अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है वैसे उसकी असल योजना होती है कि वो अपनी रामेश्वरम यात्रा को बीच में छोड़कर दो रास्तों के साथ छुट्टियां मनाने गोवा चला जाए ट्रेन में उसकी मुलाकात एक तमिल लड़की मीना यानी दीपिका पादकोट से होती है कुछ लोग मीना का अपहरण करना चाहते हैं और मीरा उनसे बचने का प्रयास करती है मीना के पिता सत्याराज कुंभन गाँव के कुख्यात डान हैं उन्होंने ही मीना के पीछे उसका अपहरण करने के लिए अपने रिश्तेदारों को भेज रखा है वो मीना की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध थंगा बली यानी निकतन धीर से करना चाहते हैं इसी कारण से मीना घर से भाग जाती है राहुल अपनी योजना के अनुसार गोवा नहीं जा पाता क्योंकि वो परेशानी में घिरी मीना को देखता है और महसूस करता है कि उसे मदद की आवश्यकता है इस प्रकार उन दोनों में प्यार हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है इस फिल्म में पहला गाना था वन टू थ्री फोर जिसे गाया था विशाल डडलानी हंसिका अय्यर श्री शरण कस्तूरी रंगन ने दूसरा सॉन्ग था तितली जिसे गाया था गोपी सुंदर चिनमयई श्रीपाद ने तीसरा सॉन्ग था तेरा रास्ता छोड़ो ना जिसे गाया था अनुषा मढ़ी अमिताभ भट्टाचार्य ने चौथा सांग था कश्मीर महतु कन्याकुमारी जिसे गाया था सुनिधि चौहान अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने पांचवांग था रेड्डी पो जिसे गाया था मजास बिद अत के विशाल डलानी बोधा वी ओम स्मोकी और इंकोरे नोटली डी लुक्यो ने छठा सांग था चेन्नई एक्सप्रेस जिसे गाया था एस पी बाला सुब्रमण्यम और चेनिटा गांधी ने चौथा सांग था तितली जो की डब स्टेप संस्करण में था जिसे गाया था जोहेब खान और फोनिक्स ने आठवां सांग था चेन्नई एक्सप्रेस जो कि मैशअप में था जिसको बनाया था डीजे जे केरल कामथ ने और नवा सांग था लुंगी डांस जिसे गाया था योयो हनी सिंह ने चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में मिली जुली समीक्षाएं मिली थी चेन्नई एक्सप्रेस भारत की विश्व स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने में सफल रही थी इस फिल्म ने कुल थ्री पॉइंट नाइन फाइव बिलियन की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने थ्री इडियट्स द्वारा बनाए गए उच्च मानक रिकॉर्ड को तोड़ दिया था करीब डेढ़ महीने के प्रमोशन के बाद देश विदेश में पहली बार लगभग चार हज़ार स्क्रीन पर रिलीज हुई बॉलीवुड के किंग खान की इस फिल्म के टाइटल ने पहले ही साफ कर दिया था कि कुछ नया देखने की चाह में थिएटर का रुख करने वालों को इस एक्सप्रेशन ट्रेन की सवारी शायद पसंद ना आए ओम शांति ओम के करीब छः साल बाद दीपिका पादकौड़ और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से ज़बरदस्त क्रेज़ बना रहा बॉक्स ऑफिस पर अब तक सभी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा था करीब पाँच साल पहले रोहित शेट्टी ने के सुभाष की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया था इसी बीच रोहित ने अपनी हर नई फिल्म स्टार्ट करने से पहले इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्चा होने वाले मोटे बजट की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली पिछले साल रोहित ने इस महंगे प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कॉरपोरेशन कंपनी और अपने दोस्त करीम मुरानी के साथ काम शुरू किया इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहले किसी बॉलीवुड मूवी में नज़र नहीं आई फिल्म का जबरदस्त प्लस, प्लस पॉइंट है पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशन में शूट बेहतरीन एक्शन सीन कलरफुल माहौल कास्ट्यूम के साथ रोहित स्टाइल में कारों के उड़ाते सीन फिल्म की खासियत है शहरुख दीपिका के लीड जोड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो फ़िल्म के ज़्यादातर कलाकार साउथ से हैं बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में करीब 40 साल के हो चुके शहरुख यानी राहुल की अब तक शादी नहीं हुई है वैसे राहुल के शादी ना करने की दूसरी बड़ी वजह उनके अपने दादा यानी लेक टंडन और दादी यानी कामनी कौशल के साथ प्यार है राहुल जब आठ साल का था तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए राहुल अपने दादा की इसी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलता है चेन्नई जाने वाली ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना और मुनाम्मा यानी दीपिका पादकोड़ से होती है इसी ट्रेन से मिनामा अपने गांव कोम्बन जा रही है लेकिन राहुल को पता नहीं है कि मिनामा को उसके गांव जबरन ले जाया जा रहा है इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ना चाह भी राहुल को मिनामा के साथ उसके गाँव जाना पड़ता है गाँव में मिनामा के पिता दुर्गेश्वरा यानी सत्यराज का दबदबा है पूरा गाँव उनके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार है बिन माँ की मीनामा अपने पिता की कमजोरी है दुर्गेश्वरा अपने पास के गांव में रहने वाले तंगबाली यानी निकतन धीर के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है इसी बीच राहुल और मीनामा एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन इन दोनों के रीति रिवाज कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं हैं शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन किए हैं जिनसे आज तक वह बचते रहे हैं राहुल का किरदार शहरु कितनी बार निभा चुके हैं वह शायद उन्हें भी ना मालूम हो राहुल में दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे के राज की झलक दिखती नजर आती है वही इंड्रोल से पहले शाहरुख अपने किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाए दीपिका ने बेहतरीन तरीके से किरदार निभाया है बेशक इस फिल्म को रिलीज से पहले प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी स्टाइल का कहा जा रहा था लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफ़ी कमजोर है अगर एक्शन सीन और गजब लोकेशन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमज़ोर है कहानी रफ्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है कश्मीर में तो कन्याकुमारी गाने का फिल्मांकन देखने लायक है इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्चा किया उतने में सीबिट बजट की कोई फिल्म बन जाती वही दूसरी फिल्म के गानों में टिपिकल साउट टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं है जो मूवी हॉल से बाहर आने के बाद भी जुबा पर रहे विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमजोर साबित हुआ है बेहतरीन लोकेशन साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने पर्दे पर नहीं देखा हो रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल अदिति लोकेशंस फिल्म का प्लस पॉइंट है द कमज़ोर स्क्रिप्ट शहरू की ओर एक्टिंग और धीमी रफ्तार जरूरत से ज़्यादा साउथ को टच फिल्म की बेहद कमज़ोर कड़ी है चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की थी और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी अपनी मजबूत शुरुआत के चलते यह फिल्म तीन दिन में ही सौ करोड़ रुपये की कमाई करने में सफल हो गई थी पहले सप्ताह के बाकी दिनों में भी फिल्म ने अपना उम्दा प्रदर्शन जारी रखा जिससे फिल्म ने एक सप्ताह के अंदर ही 150 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म ने दूसरे और तीसरे हप्ताह में कुछ हद तक कलेक्शन में गिरावट दिखा कलेक्शन में ग्राउंड दिखाकर घरेलू मार्केट में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी यहां तक कि इसकी दुनिया भर की कमाई को मिलाकर कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे हैं खास करके लुंगी डांस उस समय की तरह आज भी प्रसिद्ध है यह फिल्म हिंदी सिनेमा की ब्लॉक फिल्म रही है इस फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म पर एक एंड्रॉयड गेम लॉन्च हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी की पहली फिल्म है जिसमें सुपरस्टार अजय देवगन नहीं थे फिल्म की मुख्य भूमिका के रूप में दीपिका पातकोड़ से पहले कैटरीना कैफ को यह रोल मिल रहा था इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने असल में दीपिका पाथकोड़ को मंदिर की तीन सौ सीढ़ियों तक उठाया था फिल्म की कास्ट में अभिनेत्री का नाम अभिनेता से पहले दिखाया गया है फिल्म का टाइटल पहले रेडी पोर रखा गया था राहुल यानी शाहरुख खान 40 साल का हो चुका है और अब तक अनमैरिड है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव थे वो मुंबई का रहने वाला है और अपने दादा की लास्ट बिज पूरी करने के लिए उनकी एसएच लेकर रामेश्वरम जाना चाहता है इसके लिए वो चेन्नई एक्सप्रेस से सवार होता है इसी जर्नी में उसकी मुलाकात साउथ के छोटे गांव से गांव कुंबन के रहने वाली मीना यानी दीपिका से होती है मीना गांव के डॉन की बेटी है इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन बनती हैं कि राहुल को मीना के साथ उसके गांव जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चेन्नई एक्सप्रेस की ये जर्नी राहुल के लिए ऐसा सफ़र बन जाती है जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ ज़िंदगी का भी सबक पढ़ने को मिलता है इस छोटी सी स्टोरी लाइन को पढ़कर लगता है कि यह फिल्म एक सीधी साधी लव स्टोरी है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस फिल्म में किंग ऑफ रोमांस का रोमांटिक अंदाज है दीपिका के मिस चीवियस प्रियजेंस है और रोहित शेट्टी स्टाइल का एक्शन है कॉमेडी के परफेक्ट तरके के साथ फिल्म हिट होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आप शाहरुख से तो यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वे अपने परफेक्ट लवर वाले टैलेंट को भूल सकते हैं और उनके एक्टिंग टैलेंट पर किसी को शक नहीं है दीपिका इस फिल्म में बेहद कॉन्फिडेंस हैं क्योंकि सक्सेस आपको इतना ब्रेव तो बना ही देती है बाकी कमाल रोहित का है जो अपनी फिल्म पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं रोहित की फिल्में एक पर्टिकुलर ट्रैक पर चलती है अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचती है और हाल के बाहर आते हुए आप काफ़ी हल्का फुल्का फील करते हैं अगर आप फिल्म में कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए यह फिल्म कोई ठाट प्रोवोकिंग फिल्म नहीं है बल्कि फुल बॉलीवुड मसाला एक्शन कॉमेडी है जिसे रोमांस का वर्क लगा कर परोसा गया है शहरों का टिपिकल रोमांटिक अंदाज और ठंडा लगता गुस्सा दीपिका का एक खास स्टाइल से लव को डिज़ाइन करते करते उसमें डूब जाना और रोहित का कार चेज की गाड़ियों से ब्लास्ट करवाना इस फिल्म में वो सब है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सिवाय एक चीज़ के जिसे हम नावल्टी कहते हैं लेकिन वन टाइम वॉच और टू मसाला एंटरटेनमेंट के लिए इस बात को इग्नोर किया जा सकता है विशाल शेखर घर का म्यूजिक ठीक है कुछ सांग जैसे तेरा रास्ता छोड़ू ना और एक दो तीन सुनने में अच्छे लगते हैं और कभी गुनगुनाए जा सकते हैं लुंगी संग फुट टाइपिंग है शाहरुख खान की मौजूदगी में बाकी एक्टर्स को करने के लिए कुछ खास बचता नहीं है पर फिर भी निकेतन अच्छे लगे हैं वही तो अगर शाहरुख के प्रेशर में न कर केवल अपने ही तरीके से काम करते तो फिल्म और भी बेहतर बनती पर प्रोड्यूसर से पंगा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता खैर फिल्म एक बार देखना बनता है क्योंकि इसमें सभी वो चीज़ें हैं जो आपको पसंद है वैसे भी फेस्टिवल पर सीरियस कौन होता है इंजॉय करने का यह मूवी अच्छा बहाना है चेन्नई एक्सप्रेस शुरू होती है दादा पोते की कहानी से फिल्म में राहुल यानी शाहरुख खान अपनी परवरिश करने वाले दादा की मौत के बाद उनकी अस्थियां विसर्जित करने ट्रेन पर निकलता है रामेश्वरम की ओर लेकिन असल में उसकी प्लानिंग कुछ और ही है दरअसल वह चाहता है कि वह इस ट्रेन से उतर कर गोवा जाए और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है और वह ट्रेन से नहीं उतर पाता क्योंकि यहाँ उसे मिल जाती है मीना लोची यानी दीपिका पादकोड़ और उसके बाद राहुल गोवा पहुँचने की जगह पहुँच जाता है चेन्नई जहां शुरू होता है भाग दौड़ और लुका छिपी का खेल फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का मकसद है लोगों को एंटरटेन करना जिसमें यह फिल्म कामयाब रही है यानी यह मास इंटरटेनर फिल्म है फिल्म में काफ़ी जगह अच्छी कॉमेडी और अच्छे सीन हैं डायलॉग भी काफ़ी मजाकिया लिखे गए हैं चालीस की उम्र में राहुल यानी शाहरुख खान के किरदार पर क्या टिप्पणी करे क्योंकि शाहरुख खान अपने ही अंदाज के मालिक हैं और यहाँ तक कि बादशाह भी उधर दीपिका पादुकोण ने भी दक्षिण भारतीय लड़की के किरदार को बाखूबी निभाया मीना की भूमिका में जान डाल दी है फिल्म में शाहरुख खान ने अपनी ही पुरानी फिल्मों के सीन और पुराने डायलॉग्स को काफ़ी मज़ाक अंदाज में पेश किया है जिन्हें देखकर और सुनकर हंसी आती है डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपने अंदाज़ के सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और वही चेन्नई एक्सप्रेस में भी नज़र आता है लेकिन जब शाहरुख खान और रोहित शेट्टी जैसे दो मास्टर एक साथ आए हों तब उम्मीद की जाती है कुछ ज़्यादा की कुछ नए की यानी कॉमेडी और रोमांस के भरपूर तड़के की इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन तो है लेकिन शाहरुख खान के होते हुए भी रोमांस की कमी है उधर फिल्म की कहानी में नयापन नहीं है क्योंकि बिना मर्जी के करवाई जा रही शादी से भागती लड़की की कहानी हम कई बार देख चुके हैं और हीरो उसे कैसे बचाता है यह भी हमने फिल्मों में देखा है बस नया कुछ है तो वह है साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया का मिलन शाहरुख खान की बाकी फिल्मों के मुकाबले चेन्नई एक्सप्रेस का संगीत भी साधारण है सो चेन्नई एक्सप्रेस का सफ़र हसीन तो है लेकिन कुछ नया नहीं है नौ अगस्त दो को रिलीज हुई थी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस इसको रिलीज हुए छः साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नज़र आई थी रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए थे इस फिल्म में दीपिका पहली बार साउथ की लड़कियाँ के किरदार में नज़र आई थी और उनका रोल लोगों को काफ़ी पसंद आया था चेन्नई एक्सप्रेस में पहली बार रोहित शेट्टी और शाहरुख खान साथ काम किए थे इसके गाने से लेकर डायलॉग तक सब कुछ काफ़ी फेमस हुआ था लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए देविका पादकोड़ पहले पसंद नहीं थी आइए हम आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्से नंबर वन फिल्म का गाना वन टू थ्री काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसमें नजर आने वाली साउथ की एक्ट्रेस प्रियामढ़ का डांस भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था लेकिन आप जानकर चौक जाएंगे कि प्रियामढ़ का बॉलीवुड कनेक्शन है ये विद्या बालन की कजिन है नंबर टू बॉलीवुड में दीपिका पादकोर से पहले रोहित शेट्टी ने रोल करीना कपूर को ऑफर किया था करीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें फिल्म ऑफर हुई तब वो तालाश को अपने डेट्स दे चुकी थी और इसलिए इसे ना कहना पड़ा नंबर थ्री सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं फिल्म का टाइटल चेन्नई एक्सप्रेस भी रोहित शेट्टी की पहली पसंद नहीं थी रोहित तो उसे साउथ टच देने के लिए इसका नाम रेड्डी स्टडी पो रखना चाहते थे लेकिन फिल्म में ट्रेन से दीपिका और सेहरू की प्रेम कहानी का कनेक्शन जोड़ने की वजह से इसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस रख दिया गया और रेड्डी स्टडी पो को इसके टाइक की तरह इस्तेमाल किया गया नंबर फोर इस फिल्म में दिखाया गया कि ऊटी का खूबसूरत सीन आपको काफ़ी पसंद आया होगा नंबर फोर इस फिल्म में दिखाया गया ऊटी का खूबसूरत सीन आपको बहुत पसंद आया होगा लेकिन ये सीन ऊटी में शूट नहीं हुए थे बल्कि वहाँ के लोकेशन को पंचगनी में क्रिएट किया गया था फिल्म के आर्ट डायरेक्टर नरेंद्र रोहारकर ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए इस काम को अंजाम दिया था नंबर फाइव इस फिल्म में दीपिका पातकोड़ के साथ एक सीन शूट करते वक्त शाहरुख खान घायल हो गए थे इस वजह से उन्हें बाद में अपने कंधों की सर्जरी भी करनी पड़ी थी नंबर सिक्स चेन्नई एक्सप्रेस पहली बॉलीवुड फिल्म बनी जो इंडिया और पेरू दोनों जगह एक साथ रिलीज हुई थी अगर आप शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस को उस साल की बिगेस्ट रिलीज मान रहे हैं तो गलत हो सकते हैं बिगेस्ट तो नहीं लेकिन यह फिल्म ऐसी है कि अगर आप इसे देखोगे तो गारंटी बोर नहीं होगी और अगर ना देखी तो भी चलेगा यानी कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो आपने आप में कभी ना सुनी हो लेकिन हाँ कॉमेडी इंटरटेनिंग है चालीस साल का सिंगल मर्द अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता है पहले दादाजी राहुल से अधिक प्यार करने के चलते उसे शादी करने नहीं देते फिर उसकी मौत के बाद जब राहुल गोवा जाने वाला होता है तब दादी जी राहुल को दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रामेश्वरम भेजना चाहते हैं दादी को बेवकूफ़ बनाकर गोवा जाने के चक्कर में उसे चेन्नई एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है बस उसी ट्रेन में हीरो यानी शाहरुख खान यानी दीपिका को उसके गुंडे भाइयों से बचाने की कोशिश करता है और यही से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के स्टाइल में चल पड़ती है एक लव एक्सप्रेस चेन्नई में कम्बन गांव के डॉन की बेटी होती है चेन्नई में कोम्बन गांव के डॉन की बेटी होती है मीढ़ा जो अपने अप्पा की पसंद से लड़के से शादी नहीं करना चाहती और भाग रही होती है इसी चक्कर में डॉन राहुल की जिंदगी का भी दुश्मन बन जाता है फिर कैसे राहुल हिम्मत जुटाता है और अपने भाई से कई ज़्यादा तगड़े गुंडों और डॉन दुर्गेश्वर से भिड़ता है और अंत में दिमाग नहीं दिल से सभी को जीतता है यही है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी रोहित शेट्टी की इस कॉमेडी एक्शन फिल्म में एक्शन तो है लेकिन एकदम आम इसलिए फिल्म में सिंघम, दबंग और खिलाड़ी के एक्शन की उम्मीद ना करें जहां तक बात कॉमेडी की है तो आपको ये फिल्म देखने के दौरान आपको हंसी आएगी इसकी तीन वजहें हैं नंबर वन आम तौर पर जब भी कोई आपके सामने जानबूझकर किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो आप समझते नहीं हैं तो आपको हंसी आती है बिल्कुल ऐसे ही फिल्म में कॉमेडी की अहम वजह है तमिल भाषा जो देविका यानी चेन्नई की मीना मौर पर मीना लोचनी तो ठीक से जानती है लेकिन मुंबई के रहने वाले शाहरुख खान नहीं समझते और तमिल भाषा के हर शब्द का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं गलत उच्चारण भी करते हैं इसी वजह से लोगों को हंसी आ जाती है हालाँकि ये खबरें भी थी कि साउथ इंडियन कम्यूनिटी ने इस पर ऐतराज़ भी जताया है है। लेकिन तब दीपिका ने यह सफाई दी थी कि रोहित शेट्टी और वो खुद भी साउथ इंडियन ही हैं इसलिए ऐसा नहीं करेंगे जैसा दीपिका के पिता का किरदार निभा रहे सत्यराज जब शहरुख से तमिल भाषा में बात करते हैं और कहते हैं कि तमिल मेरी माँ है तब तमिल भाषा नहीं जानने वालों को हंसी आती है इसके जवाब में शहरुख कहते हैं यह मेरी माँ के बारे में क्या बोल रहा है दिलचस्प बात यह है कि कहानी में कॉमेडी के लिए शहरुख ने अपनी खास फिल्मों की लाइनें ही चुनी हैं जैसे आई एम राहुल एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शाहरुख को रोमांटिक और डॉन वाले किरदार ज्यादा शूट करते हैं शाहरुख ने इस फिल्म के साथ पहली बार फुल कॉमेडी में हाथ हजमाया है कहीं कहीं पर आपको शाहरुख के एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर नजर आएंगे फिर भी शाहरुख ने कॉमेडी इसलिए खींच ली क्योंकि साजिद और फरहाद ने कॉमेडी डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं रोहित शेट्टी की फिल्म और गाड़ियों के साथ स्टंट न हो ऐसा हो नहीं सकता लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में डबल मीनिंग कॉमेडी नहीं है यानी पूरा परिवार इस फिल्म को साथ बैठ देख सकता है इसके अलावा फिल्म देखने की पाँच वजह हैं नंबर वन सुपरस्टार शाहरुख खान जो करोड़ों दिलों की धड़कन का बादशाह है इस बार सलमान नहीं बल्कि शाहरुख ने ईद पर फिल्म रिलीज की थी ऐसे में खान की ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ गई थी फिर शाहरुख की पॉपुलरिटी तो सात समंदर पार ही थी अब तो सलमान और शाहरुख खान भी दोस्त बन गए थे यानी सलमान के फैंस शाहरुख के ऐसे में टिकट खिड़की पर लंबी लाइन तो तय थी नंबर टू फिल्म में कोई भी एस्टिमेट सीन नहीं है ऐसे में आप पूरे परिवार के साथ यह फिल्म देख सकते हैं नंबर थ्री साल 2007 में देवका ने शहरू के अपोजिट फिल्म ओम शांति ओम में अपना डेब्यू किया था ऐसे में दर्शक यह जरूर जानना चाहते थे कि इस बार दोनों की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी नंबर फोर शाहरुख को दीपिका से जब कोई सीक्रेट बात कहनी होती है तब वो गाना गाकर अपनी बात कहते हैं और दीपिका भी हिंदी में गाना गाकर जवाब देती हैं ताकि उनका कोई तमिल भाषी रिश्तेदार समझ न जाए यह फिल्म का बेस्ट पार्ट है साउथ की स्टार प्रियमड़ी का आइटम नंबर आपका दिल लुभाएगा और आपको डांस फ्लोर पर जाने के लिए मदद करेगा नंबर फाइव डायरेक्शन में रोहित शेट्टी की अपनी छाप है आप यह भी कह सकते हैं कि यह फिल्म शाहरुख नहीं रोहित शेट्टी की है इससे पहले भी रोहित गोलमाल सीरीज की फिल्मों में कॉमेडी में अपनी स्टेप लगा चुके हैं रोहित की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन और एक्शन फिल्म सिंघम ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था कॉमेडी में रोहित की महारत देख ही शाहरुख ने इस फिल्म के लिए पहली बार में हामी भर दी थी खुद साउथ इंडियन होने का रोहित और दीपिका ने पूरा फायदा उठाया फिल्म के तमिल कैरेक्टर्स वाले एक्टर्स के चुनाव में कोई कमी नहीं रही थी फिल्म में दिखाया गया कि साउथ का शटअप आपको यही याद दिलाता रहेगा कि आप चेन्नई में हैं दीपिका के एक्शट और कहानी में दिखाई गई साउथ की खूबसूरती आपको पसंद आएगी गोवा हैदराबाद और मुंबई के अलावा फिल्म की शूटिंग केरल में भी हुई है लेकिन फिल्म की तीन वजहों के चलते आपको मायूसी भी हो सकती है नंबर वन फिल्म के अंत में सुपरस्टार रजनीकांत को ट्रिब्यूट कर दिया गया है गाने का नाम है लुंगी डांस यह वो गाना है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं लेकिन हनी सिंह की इस पेशकश को एंड में रखा गया है जब जनता थिएटर छोड़कर जाने लगती है वही फिल्म में बाकी गाने जिनका म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया है वो ठीक ठाक हैं लेकिन गाने इतने भी अच्छे नहीं हैं कि आप बार बार सुनना चाहें नंबर टू फिल्म में शाहरुख खान चालीस के दिखाए गए हैं शायर रोहित ने भी पहचान लिया कि अब बादशाह के चेहरे पर उनकी उम्र का पता चलने लग गया है और आप तो जानते ही हैं कि दीपिका को दर्शक रणबीर जो कि उनकी उम्र के हैं के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे तो दीपिका फिल्म में बेहद खूबसूरत लगी हैं लेकिन कहीं कहीं पर आपको दोनों की जोड़ी बेमेल लगेगी नंबर थ्री कहीं कहीं पर आपको यह भी लगेगा कि शाहरुख खान कॉमेडी के पास होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो उनकी ओर एक्टिंग भी पसंद कर लेंगे वरना यह मेहनत साफ नज़र आएगी यह है नया फ्लोवर। हीरो को जाना है गोवा और वह सवार हो जाए चेन्नई एक्सप्रेस में बातें ऐसे कि ना डबिंग की ज़रूरत और ना सबटाइटल की कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिनेमा की सांस्कृतिक रील में देश एकेमिक हुआ जा रहा है ये रोहित शेट्टी और शाहरुख खान का कॉकटेल है चेन्नई एक्सप्रेस एक नया सिनेमाई अनुभव है बॉलीवुड के सबसे महंगे डायरेक्टर बन चुके रोहित शेट्टी से कई लोगों को शिकायत है कि वे अपनी फिल्मों में गोलमाल और बच्चन ज़्यादा करते हैं ये लोग चेन्नई एक्सप्रेस में देख सकते हैं कि रोहित बिना चुटकलेबाजी के भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं अपने रंग बिरंगे कैनवास पर तेज रफ्तार से उड़ती कारों के साथ शाहरुख को हीरो लेकर भी रोहित ने अपने अंदाज़ को बरकरार रखा है वही शाहरुख खान के लिए फिल्म नया एनर्जी ड्रिंक है वह अपने रोमानी रूप में पुराने राहुल ही लगे हैं और जब प्यार की कस्में खाते हैं तो सिनेमा हॉल में लड़कियों का दिल धक धक करने लगता है अगर आप अपने परदेश और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान को पसंद किया है तो वह आपको यहाँ भी अच्छे लगेंगे फिल्म में दीपिका पादगोड़ का नाम पर्दे पर शाहरुख से पहले उभरता है जैसे जैसे चेन्नई एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ती है दीपिका अपनी साउथ इंडियन टोन के साथ दर्शकों पर छाने लगती हैं। उनकी बोकवास दिल में उतरने लगती है अपनी नौकाओं को सम्मान देने के लिए शाहरुख के अलावा कोई और हीरो फिल्म में होता तो वह दीपिका के परफॉर्मेंस से घबराकर उनके रोल पर कई चलवा सकता था दीपिका ने यहाँ पर खुद को अपनी प्रतिद्वंदी कैटरीना से मिलो आगे साबित किया है और बताया है कि वह अभी भी लंबी दूरिया तय करेंगी कैटरीना के साथ जब तक है जान करके शाहरुख खान नाकामी के किस भौर में फंसे थे दीपिका ने उन्हें उससे उबार दिया है रही बात फिल्म की कहानी की तो वह सीधी साधी और सरल है हीरो को दादाजी ने बचपन से पाला है सवे जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर को निनान बैरन पर आउट होते देख वे दुनिया को कूच कर जाते हैं उनकी इच्छा थी कि अस्थिया रामेश्वरम में विसर्जित की जाए हीरो इसी के लिए निकलता है लेकिन ट्रेन में उसे हीरोइन मिलती है जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं उसे बचाने की कोशिश में हीरो भी उसके चंगुल में फंस जाता है और आखिर माजरा क्या है पहले सीन में फिल्म कॉमिक टोन लिए हुए है अतः किसी भी कोर्ट से इसे गंभीर होकर देखने की कोशिश मीठे में मिर्ची तलाशने की तरह नाकाम साबित होगी ऐसा कतई नहीं है कि इस कॉमेडी को देखने के लिए दिमाग घर पर छोड़ के जाने की जरूरत है फिल्म में बहुत कुछ है जिसे दिमाग में दर्ज किया जा सकता है विशाल शेखर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है लेकिन हनी सिंह का अकेला लुंगी डांस उन सब पर भारी पड़ा है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान उनकी टीम और उनके फैंस के लिए ईद का इनाम थी इसमें जोश है ऊर्जा है गुदगुदी है फिल्म में दक्षिण का चांद उत्तर के आकाश में निकला है एक ही संदेश के साथ लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इंडस्ट्री के वो अभिनेता हैं जिनके साथ हर एक्ट्रेस फिल्मों में काम करना चाहती है यहां तक कि दीपिका पादुकोण ने भी अपने करियर की शुरुआत इस सारके के साथ ही की थी शाहरुख खान अब तक कई एक्ट्रेस के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते दिखे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जिसने शाहरुख खान के साथ काम करने से मना कर दिया था हम बात कर रहे हैं साउथ की लेडी सुपरस्टार स्टार नयन तारा की दरअसल नयनतारा तारा को शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए अप्रोच किया गया था यह हम साफ कर दे कि नयनतारा तारा को फिल्म में दीपिका के रोल के लिए नहीं बल्कि फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग वन टू थ्री फोर के लिए ऑफर मिला था जिसे नयनतारा तारा ने रिजेक्ट कर दिया एक्ट्रेस ने बिना कारण बताते हुए ही बिनम तरीके से इस आइटम नंबर के लिए मना कर दिया हालांकि बाद में इस आइटम नंबर के लिए प्रियामढ़ को साइन कर लिया गया था फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी वही वर्क फ्रंट की बात करें तो नैनतारा हाल ही में ब्लॉक फिल्म अनथे में नजर आई थी जिसमें एक्ट्रेस थलाइवा रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखी थी नैनतारा को दरबार राजा रानी आरम इमायका नोदियेगल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं शाहरुख खान पिछले काफी समय से बॉलीवुड से दूरिया बनाए हुए थे उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल शाहरुख खान एक बार फिर से कम करेंगे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की फिल्म पठान इसी साल रिलीज हो सकती है एक लड़का था सावला सा औसत चेहरे और कद काठी वाला उसने नब्बे के दशक में हमें सिखाया कि भोलेपन के साथ सही नीयत के साथ और स्मार्टनेस के साथ प्यार करो तो उसे हासिल भी किया जा सकता है उसने एक यकीन पैदा किया रोमानियत के इर्द गिर्द दर्जनों फिल्में बनी कुछ लड़के शहरों के इर्द गिर्द जिन्होंने इस फलसफे को नए अध्याय मुहैया कराए चेन्नई एक्सप्रेस अब अधेड़ होचले उस लड़के की यादों को बार बार नए ढंग से याद कराती है फिल्म की शुरुआत में ही डी की तर्ज पर शाहरुख खान ट्रेन से लटकते हैं और दरवाजे की तरफ बेहताशा भागती देविका को हाथ बढ़ाते हैं इस फिल्म में शाहरुख की नई फिल्म छवियों को उनके स्टाइल को उनके गानों को बाखूबी इस्तेमाल किया गया है इसलिए शाहरुख के दीवानों को एक फिल्म में शाहरुख की जर्नी का रेफरेंस देखना लुभाता है एक और लड़का है रोहित शेट्टी पिता एक्शन डायरेक्टर सेट्टी थे सो उसने पहले ही फिल्म बनाई जमीन सो उसने पहली फिल्म बनाई ज़मीन उसमें जमकर एक्शन रखा मगर फिल्म नहीं चली रोहित को सबक मिला कि एक्शन तो ठीक है मगर पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने के लिए कॉमेडी की डोज भी चाहिए फिर सामने आई गोलमाल फ्रेंचाइजी बोल बच्चन और सिंघम जैसी फिल्में जिनमें इन दोनों का शानदार मेल दिखा अच्छे गाने सिचुएशनल कॉमेडी एक लव स्टोरी और एक ऐसा एक्शन हीरो जो कि हीरो बनता है और एक ऐसा एक्शन जो हीरो को हीरो बनाता है चेन्नई एक्सप्रेस में भी यही सब है मगर इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है शाहरुख खान एक बड़ा दांव था जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ चेन्नई एक्सप्रेस में शहरुख को रखने के फेवर में वो चीज़ मिसिंग हो गई जिसकी हमें आदत है अजय देवगन का भुजा पड़काता एक्शन इसके अलावा किरदार के ऊपर स्क्रीन इमेज भी ओवरलैप हो गई इन सबको भूल जाए तो रोहित शेट्टी की फिल्मों के दीवानों को निराश नहीं होना पड़ेगा चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी कुछ यूँ है कि राहुल के माँ पापा नहीं हैं दादाजी थे लेकिन अब वो भी नहीं हैं मगर उसकी दादी का कहा कि राहुल को मुंबई से रामेश्वरम जाकर दादी की अस्थियाँ बहानी है मगर चालीस के हो गए और मस्ती के बहाने खोजते राहुल को तो दोस्तों के साथ गोवा जाना है दादी का मन रखने के लिए वो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होता है अगले स्टेशन पर उतरने के लिए मगर वो उतरता है एक ज़मीन पर दक्षिण भारत में जिसको लेकर लाख फसाने हैं उत्तर भारतीयों के फिल्में देखकर किस्से सुनकर बने बोरियत से भरे और असलियत की जमीन पर हकलाने से बहरहाल राहुल को ट्रेन में मिलती है घर से शादी से बचने के लिए भागी मीना मीना के फेर में राहुल एक गांव में पहुंचता है मीना के डॉन पिता से मिलता है मीना के दावेदार एक पहलवान से दिखते युवक से मिलता है भागो बचो रुको फिर भागो इस फेर में प्यार हो जाता है और आखिरी में शहरुख के ही फिलसफी में कहे तो सब ठीक हो जाता है चन्नई एक्सप्रेस हिंदी फिल्म है मगर इसमें किरदार और लोकेशन के चलते तमिल का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है यह ज्यादातर दर्शकों को हंसाता है मगर दिल्ली की एक फिल्म देखकर निकली पंजाबी अंटी के शब्दों में कहे तो इल्ले इले एक पॉइंट के बाद समझ नहीं आता तमिल के अलावा हिंदी जानने और ना जानने को लेकर गढ़ा गया हाथ ज्यादातर दर्शकों को अच्छा लगता है अगर आप अच्छे सिनेमा के शौकीन हैं तो खुद पर तरस खा सकते हैं मगर रोहित शेट्टी ने कभी इस ट्रिक को छुपाया भी तो नहीं तो शिकायत कैसी फिल्म के गाने अच्छे हैं और शहरों की रोमांटिक फिल्मों के एल्बम में कई नए नगीने जड़ते हैं वन टू थ्री फोर में प्रेमर ताजत दिखी हैं तितली गाने में देविका कई तरह के दक्षिण भारतीय साड़ियों में फूलों सबीस महकती खुशबूदार लगी हैं दूसरे गाने भी अच्छे हैं मगर एक वक्त के बाद आपको लगता है कि अब कहानी में कुछ ज़ोरदार होना चाहिए गाना आ जाता है प्रसाद यही है रेगुलर मसाला हिंदी सिनेमा जहाँ पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने के लिए हीरो का हरे भरे मैदानों में मटकना मचलना लाजमी है फिल्म हमें दक्षिण भारत की तमीज़ और तरीके दिखाती है रोहित अब तक मुंबई गोवा में अटके थे मगर यहाँ एक नया भारत दिखता है झरने पहाड़ रंगीनीत से भरपूर गांव, खेत और समुंदर कैमरा वर्क और लोकेशन इन दोनों मोर्चों पर फतेह हासिल हुई है फिल्म को जैसा वादा है फिल्म में जमकर कॉमेडी है कभी गानों को ट्विस्टेड ढंग में गाकर संदेश देने की कवायद कभी तमिल और हिंदी के मेल से पैदा हुए हालात की कॉमेडी इन सब का कोटा पूरा हुआ तो बौना मिल गया कुछ मोटे लोग आ गए और इन सब की क्विट लानत मलानत करने के लिए राहुल ने दारू पीकर दंगा भी कर दिया रोहित को पता है कि सीरियस सिनेमा के लिए तमाम दिग्गज हैं मगर पब्लिक तीन घंटे और सैकड़ों रुपए का टिकट पाकर जो करने आती है वो है मज़ा और उनकी मूवी अपने तई खूब मजा देती है आम भारतीय दर्शकों को शाहरुख खान को प्यार करते देखना भाता है मगर यहाँ तो बिल्कुल आखिरी में एक प्रेमी के रूप में नजर आते हैं उससे पहले वह हालात से जूझते एक आदमी हैं ऐसे में वह कुछ नया बेहतर नहीं कर पाते कॉमेडी के लिहाज से कहे तो ज़्यादा जमे नहीं शहरुख दीपिका जरूर मीना के रोल में रमसी गई उनके और शहरुख के बीच की केमिस्ट्री लेकिन ज़्यादा कुल पैदा नहीं कर पाई शहरों का एक्शन भी उनकी कद काठी के चलते ज्यादा भरोसा पैदा नहीं कर पाता बार बार हवा में उछल कर शेर की दहाड़ के बैकग्राउंड स्कोर में झपट्टा मारते अजय देवगन याद आ रहे थे बाकी कलाकारों को सिर्फ हंसाना था और इस काम के लिए उनके मास्टर के रूप में रोहित तैनात थे अच्छा यह रहा कि रोहित टीम के रेगुलर फेस फिल्म में नहीं थे तो कुछ नयापन था फिल्म के प्रचार के दौरान दावा किया जा रहा था कि ये एक मुल्क में कभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं के तहजीबों के फर्क को दिखाती फिर पाठती नज़र आएगी इसके लिए सबको पिरोने वाले धागों के रूप में चुनी गई एक प्रेम कहानी डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन यह सुहास शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में कई बार बोलते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस की टीम ने कॉमन मैन के कॉमन सेंस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी है लगता है शाहरुख खान दूसरे कलाकारों की इटली डोसा छाप फिल्मों की सफलता को देख घबर आ गए हैं और उन्होंने भी उस लकीर पर चलने की कोशिश की एंटरटेनमेंट के नाम पर कॉमन सेंस को किनारे रखा और नतीजे में चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म सामने आती है जिसमें मनोरंजन नामक इंजन नहीं है इस फिल्म में शाहरुख खान ने अपने किरदार का लकी नाम राहुल रखा डी के सीन दोहराए निर्देशक रोहित शेट्टी ने कार्य उड़ाई कॉमेडी के नाम पर आइटम्स रखे आइटम सॉन्ग रखा लेकिन सब बेकार मनोरंजन के नाम पर जो हरकतें की गई हैं वो बिल्कुल लुभाती नहीं हैं यह फिल्म पूरी तरह से सपाट है कहानी बेहद साधारण है राहुल यानी शाहरुख खान को अपने दादा की अस्थियाँ रामेश्वरम में विसर्जित करना है वह मौज मस्ती के लिए गोवा जाना चाहता है लेकिन अपनी दादी को चकमा देने के लिए वह मुंबई से चेन्नई एक्सप्रेस में सवार हो जाता है ताकि अगले स्टेशन से उतरकर वह गोवा की ओर चल पड़े जैसे ही ट्रेन चलती है मीना यानी देविका पातकोड़ प्लेटफार्म पर दौड़ लगाती हुई आती हैं राहुल अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बोगी में बिठा लेता है पीछे तीन चार लोग और आते हैं उनकी भी वह मदद कर देता है बाद में उसे पता चलता है कि वो लोग गुंडे हैं और मीना का अपहरण करके गांव ले जा रहे हैं राहुल अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और मीना को बचाने की कोशिश में उसके गांव तक पहुंच जाता है मीना के पिता गांव के डॉन रहते हैं और दूसरे गांव के एक डॉन से उसकी शादी करवाना चाहते हैं मीना यह शादी नहीं करना चाहती और राहुल को अपना प्रेमी बता देती है इसके बाद राहुल और मीना भागते रहते हैं और डॉन के गुंडे उन्हें ढूंढते रहते हैं मुंबई से रामेश्म की यात्रा में दोनों के साथ कई घटनाएं घटती हैं और प्रेम के बीच अंकुरित होते हैं इस कहानी में कई छेद हैं रोहित शेट्टी की यह खासियत है कि वे प्रसंगों को इतना मज़ेदार रखते हैं कि दर्शक कहानी की कमियों को इग्नोर कर देते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में रोहित का यह जादू नदारद है लिहाजा बार बार कमियों की ओर ध्यान है। जाता है जैसे देविका के गांव में जाकर शहरु फंस जाता है मोबाइल उसके पास नहीं रहता है कहीं से मोबाइल का इंतज़ाम होता है तो उसे एक भी नंबर याद नहीं रहता जबकि कितनी भी कमज़ोर यादाश्त हो दो चार नंबर तो याद ही रहते हैं पुलिस उसकी नहीं सुनती क्योंकि वो डॉन से डरती है लेकिन वह दूसरे गांव में रहने के बावजूद वहां की पुलिस की मदद नहीं लेता उसकी कोशिश यह नहीं दिखाती कि वह दीपिका के पिता के चंगुल से निकलने के प्रति गंभीर है चेन्नई एक्सप्रेस की एक और बड़ी खामी यह है कि दीपिका और शहरुख को छोड़ कोई भी किरदार दमदार नहीं है आमतौर पर रोहित शेट्टी ढेर सारे किरदारों को लेकर फिल्म बनाते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में कैमरा शाहरुख खान दीपिका पर इतना ज़्यादा फोकस रहता है कि कोप्त तो होने लगती है किरदारों की कमी महसूस होती है फिल्म में ढेर सारे संवाद तमिल में हैं रोहित जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं वो यह कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म में ज़्यादातर संवाद तमिल में सुनने को मिले यदि रोहित तमिल भाषियों को हिंदी बोलते हुए भी दिखा देते तो कोई हर्ज नहीं था फिल्म की हीरोइन को तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए दिखाया है जो कि तमिल भाषी है मसाला फिल्मों के रोहित शेट्टी काबिल निर्देशक माने जाते हैं उन्हें पता रहता है कि किस मसाले का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना है लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में उनका अनुपात गड़बड़ा गया है इंट्रोल के पहले उन्होंने मात्र एक गाना रखा है और दूसरे हिस्से में कई गाने हैं इस फिल्म से रोमांस भी नदारद है शाहरुख खान रोमांस के बादशाह माने जाते हैं और कहानी की भी यह मांग थी कि मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा के दौरान फिल्म के दोनों किरदारों से रोमांस पैदा किया जाए लगभग दो तिहाई से भी ज़्यादा फिल्म गुजरने के बाद दोनों किरदारों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है कई ऊट पटांग प्रसंग देख दर्शक थक चुके होते हैं इंटरवल के पहला वाला हिस्सा उबाऊ है प्रसंगों को बहुत लंबा रखा गया है ख़ासतौर पर ट्रेन में सरुख देविका और गुंडों के दृश्य की लंबाई बहुत ज़्यादा है कई दृश्य ऐसे हैं जिनका कहानी से कोई वास्ता ही नहीं है मसलन जंगल में शहरों को और एक बौने पर फिल्माया गया दृश्य दीपिका के रात में सपने देखने वाला दृश्य शाहरुख दीपिका का गाने गाकर बातें करना दीपिका को गोद में उठाकर शहरुख का मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना जैसे कुछ उम्दा दृश्य भी हैं लेकिन इनकी गिनती कम है खास बात यह है कि कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फोहरता से दूरी बनाकर रखी गई है एक औसत स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन से उठकर शाहरुख खान ने अपने कंधों पर फिल्म खींचने की भरपूर कोशिश की है लेकिन उनके लिए भी यह भार कुछ ज्यादा ही है अपनी चिरपरिचित स्टाइल में उन्होंने अभिनय किया है और क्लाइमेक्स में उनका अभिनय बेहतरीन है कहा जा सकता है वह एकमात्र कारण हैं जिनकी वजह से फिल्म में थोड़ी रुचि बनी रहती है कॉकटेल ये जवानी है दीवानी जैसे फिल्म में आधुनिक लड़की के किरदार निभाने के बाद दीपिका ने देसी गर्ल का रोल निभाया है उच्चारण और अभिनय के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और परिणाम सुखद रहा है कॉमिक सीन में उनकी टाइमिंग भी अच्छी रही है सत्यराज और नितिन धीर के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था फिल्म का म्यूजिक हिट तो नहीं है लेकिन तितली वन टू थ्री फोर सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं रोहित शेट्टी शाहरुख खान और दीपिका पादकौड़ के नाम से जिस कमर्शियल और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म की अपेक्षाएं पैदा होती हैं उस पर चेन्नई एक्सप्रेस खड़ी नहीं उतरती यह एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि लोकल गाड़ी की तरह चलती है चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीस एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन फिल्म है शाहरुख खान दीपिका पादुकोण फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने 226 करोड़ रुपए का कारोबार किया था इस फिल्म को निर्देशित किया था रोहित शेट्टी ने इसके निर्माता हैं गौरी खान रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ राय कपूर पटकथा है इसकी यूनिस साजवाला की इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर ने छायाकार है इसके डुडले संपादक है इसके स्टीवन एच नोवार्ड ने स्टूडियो इस था इसमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का वितरक है इसके यू टू मोशन पिक्चर्स ये आठ अगस्त दो को यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी और नौ अगस्त दो को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी यह एक मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत थी सिपर हंड्रेड फिफ्टी टू नाइन हंड्रेड मिलियन और इसने कुल कारोबार किया था 3.95 अरब डॉलर चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में राहुल यानी शाहरुख खान 40 वर्षीय अविवाहित उत्तर भारतीय युवक है जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा लेक टंडन और दादी कामनी कौशल ने पाल पोस बड़ा किया है उसके दादा की आखिरी इच्छा थी उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रवाहित कर दिया जाए उनकी इच्छा के अनुसार वो उनकी अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है वैसे उसकी असल योजना होती है कि वो अपनी रामेश्वरम यात्रा को बीच में छोड़कर दो रास्तों के साथ छुट्टियां मनाने गोवा चला जाए ट्रेन में उसकी मुलाकात एक तमिल लड़की मीना यानी दीपिका पादकोट से होती है कुछ लोग मीना का अपहरण करना चाहते हैं और मीरा उनसे बचने का प्रयास करती है मीना के पिता सत्यराज कुंभन गाँव के कुख्यात डान हैं उन्होंने ही मीना के पीछे उसका अपहरण करने के लिए अपने रिश्तेदारों को भेज रखा है वो मीना की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध थंगा बली यानी निकतन धीर से करना चाहते हैं इसी कारण से मीना घर से भाग जाती है राहुल अपनी योजना के अनुसार गोवा नहीं जा पाता क्योंकि वो परेशानी में घिरी मीना को देखता है और महसूस करता है कि उसे मदद की आवश्यकता है इस प्रकार उन दोनों में प्यार हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है इस फिल्म में पहला गाना था वन टू थ्री फोर जिसे गाया था विशाल डडलानी हंसिका अय्यर श्री शरण कस्तूरी रंगन ने दूसरा सॉन्ग था तितली जिसे गाया था गोपी सुंदर चिनमयई श्रीपाद ने तीसरा सॉन्ग था तेरा रास्ता छोड़ो ना जिसे गाया था अनुषा मढ़ी अमिताभ भट्टाचार्य ने चौथा सांग था कश्मीर महतो कन्याकुमारी जिसे गाया था सुनिधि चौहान अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने पांचवा सांग था रेड्डी स्टडी पो जिसे गाया था मचास बिद अतुदे अत के विशाल डटलानी बोधा वी ओम स्मोकी और इंकोरे नोटली डी लुक्यो ने छठा सांग था चेन्नई एक्सप्रेस जिसे गाया था एस पी बाला और जेनीटा गांधी ने चौथा सांग था तितली जो कि डब स्टेप संस्करण में था जिसे गाया था जोहेब खान और फोनिक्स ने आठवां सांग था चेन्नई एक्सप्रेस जो कि मैशअप में था जिसको बनाया था डीजे जे किरण कामथ ने और नवा सांग था लुंगी डांस जिसे गाया था योयो यो हनी सिंह ने चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में मिली जुली समीक्षाएं मिली थी चेन्नई एक्सप्रेस भारत की विश्व स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने में सफल रही थी इस फिल्म ने कुल 3.95 बिलियन की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने थ्री इडियट्स द्वारा बनाए गए उच्च मानक रिकॉर्ड को तोड़ दिया था करीब डेढ़ महीने के प्रमोशन के बाद देश विदेश में पहली बार लगभग चार हज़ार स्क्रीन पर रिलीज हुई बॉलीवुड के किंग खान की इस फिल्म के टाइटल ने पहले ही साफ कर दिया था कि कुछ नया देखने की चाह में थिएटर का रुख करने वालों को इस एक्सप्रेशन ट्रेन की सवारी शायद पसंद ना आए ओम शांति ओम के करीब छः साल बाद दीपिका पादकौड़ और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से ज़बरदस्त क्रेज़ बना रहा बॉक्स ऑफिस पर अब तक सभी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा था करीब पाँच साल पहले रोहित शेट्टी ने के सुभाष की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया था इसी बीच रोहित ने अपनी हर नई फिल्म स्टार्ट करने से पहले इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्चा होने वाले मोटे बजट की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली पिछले साल रोहित ने इस महंगे प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कॉरपोरेशन कंपनी और अपने दोस्त करीम मुरानी के साथ काम शुरू किया इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहले किसी बॉलीवुड मूवी में नजर नहीं आई फिल्म का जबरदस्त प्लस पॉइंट है पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशन में शूट बेहतरीन एक्शन सीन कलरफुल माहौल कास्ट्यूम के साथ रोहित स्टाइल में कारों के परकच्चे उड़ाते सीन फिल्म की खासियत है शाहरुख दीपिका की लीड जोड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म के ज़्यादातर कलाकार साउथ से हैं बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में करीब 40 साल के हो चुके शाहरुख यानी राहुल की अब तक शादी नहीं हुई है वैसे राहुल के शादी ना करने की दूसरी बड़ी वजह उनके अपने दादा यानी लेक टंडन और दादी यानी कामनी कौशल के साथ प्यार है राहुल जब आठ साल का था तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए राहुल अपने दादा की इसी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलता है चेन्नई जाने वाली ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना और मुनाम्मा यानी दीपिका पादकोड़ से होती है इसी ट्रेन से मीनाम्मा अपने गांव कोम्बन जा रही है लेकिन राहुल को पता नहीं है कि मीनाम्मा को उसके गांव जबरन ले जाया जा रहा है इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ना चाहकर भी राहुल को मिनामा के साथ उसके गांव जाना पड़ता है गांव में मीनाम्मा के पिता दुर्गेश्वरा यानी सत्यराज का दबदबा है पूरा गाँव उनके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार है बिन माँ की मीनामा अपने पिता की कमजोरी है दुर्गेश्वरा अपने पास के गांव में रहने वाले तंगबाली यानी निकतन धीर के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है इसी बीच राहुल और मीनामा एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन इन दोनों के रीति रिवाज कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं हैं शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन किए हैं जिनसे आज तक वह बचते रहे हैं राहुल का किरदार शहरुख कितनी बार निभा चुके हैं वह शायद उन्हें भी ना मालूम हो राहुल में दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे के राज की झलक दिखती नजर आती है वह इन रोल से पहले शाहरुख अपने किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाए दीपिका ने बेहतरीन तरीके से किरदार निभाया है बेशक इस फिल्म को रिलीज से पहले प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी स्टाइल का कहा जा रहा था लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफ़ी कमजोर है अगर एक्शन सीन और गजब लोकेशन को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमजोर है कहानी की रफ़्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है कश्मीर में तो कन्याकुमारी गाने का फिल्मांकन देखने लायक है इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्चा किया उतने में सीबिट बजट की कोई फिल्म बन जाती वही दूसरी फिल्म के गानों में टिपिकल साउट टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं है जो मूवी हॉल से बाहर आने के बाद भी जुबा पर रहे विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमज़ोर साबित हुआ है बेहतरीन लोकेशन साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने पर्दे पर नहीं देखा हो रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल अदिति लोकेशंस फिल्म का प्लस पॉइंट है द कमज़ोर स्क्रिप्ट शहरू की और एक्टिंग और धीमी रफ्तार जरूरत से ज़्यादा साउथ को टच फिल्म की बेहद कमज़ोर कड़ी है चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की थी और उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी अपनी मजबूत शुरुआत के चलते यह फिल्म तीन दिन में ही सौ करोड़ रुपये की कमाई करने में सफल हो गई थी पहले सप्ताह के बाकी दिनों में भी फिल्म ने अपना उम्दा प्रदर्शन जारी रखा जिससे फिल्म ने एक सप्ताह के अंदर ही 150 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म ने दूसरे और तीसरे हप्ताह में कुछ हद तक कलेक्शन में गिरावट दिखा कलेक्शन में ग्राउंड दिखाकर घरेलू मार्केट में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी यहां तक कि इसकी दुनिया भर की कमाई को मिलाकर कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे हैं खास करके लुंगी डांस उस समय की तरह आज भी प्रसिद्ध है यह फिल्म हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है इस फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म पर एक एंड्रॉयड गेम लॉन्च हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी की पहली फिल्म है जिसमें सुपरस्टार अजय देवगन नहीं थे फिल्म की मुख्य भूमिका के रूप में दीपिका पातकोर से पहले कैटरीना कैफ को यह रोल मिल रहा था इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने असल में दीपिका पादकौड़ को मंदिर की तीन सीढ़ियों तक उठाया था फिल्म की कास्ट में अभिनेत्री का नाम अभिनेता से पहले दिखाया गया है फिल्म का टाइटल पहले रेडी पोर रखा गया था राहुल यानी शाहरुख खान 40 साल का हो चुका है और अब तक अनमैरिड है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव थे वो मुंबई का रहने वाला है और अपने दादा की लास्ट बिश पूरी करने के लिए उनकी एसएच लेकर रामेश्वरम जाना चाहता है इसके लिए चेन्नई एक्सप्रेस से सवार होता है इसी जर्नी में उसकी मुलाकात साउथ के छोटे गांव से गांव कुंबन के रहने वाली मीना यानी दीपिका पातकोड़ से होती है मीना गांव के डॉन की बेटी है इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन बनती हैं कि राहुल को मीना के साथ उसके गांव जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चेन्नई एक्सप्रेस की ये जर्नी राहुल के लिए ऐसा सफ़र बन जाती है जिसमें सेल्फ रिलजन के साथ साथ जिंदगी का भी सबक पढ़ने को मिलता है इस छोटी सी स्टोरी लाइन को पढ़कर लगता है कि यह फिल्म एक सीधी साधी लव स्टोरी है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस फिल्म में किंग ऑफ रोमांस का रोमांटिक अंदाज है दीपिका की मिस चीवियस है और रोहित शेट्टी स्टाइल का एक्शन है कॉमेडी के परफेक्ट तरके के साथ फिल्म हिट होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आप शाहरुख से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वह अपने परफेक्ट लबर वाले टैलेंट को भूल सकते हैं और उनके एक्टिंग टैलेंट पर किसी को शक नहीं है दीपिका इस फिल्म में बेहद कॉन्फिडेंस है क्योंकि सक्सेस आपको इतना ब्रेव तो बना ही देती है बाकी कमाल रोहित का है जो अपनी फिल्म पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं रोहित की फिल्में एक पर्टिकुलर ट्रैक पर चलती है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है और हाल के बाहर आते हुए आप काफ़ी हल्का फुल्का फील करते हैं अगर आप फिल्म में कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए फिल्म कोई ठाट प्रोवोकिंग फिल्म नहीं है बल्कि फुल बॉलीवुड मसाला एक्शन कॉमेडी है जिसे रोमांस का वर्क लगाकर परोसा गया है शहरों का टिपिकल रोमांटिक अंदाज़ और ठंडा लगता गुस्सा दीपिका का एक खास स्टाइल से लव को डिज़ाइन करते करते उसमें डूब जाना और रोहित का कार चेज की गाड़ियों से ब्लास्ट करवाना इस फिल्म में वो सब है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सिवाय एक चीज़ के जिसे हम नावल्टी कहते हैं लेकिन वन टाइम वॉच और फुलटू मसाला एंटरटेनमेंट के लिए इस बात को इग्नोर किया जा सकता है विशाल शेखर का म्यूजिक ठीक है कुछ सॉन्ग जैसे तेरा रास्ता छोडो ना और एक दो तीन सुनने में अच्छे लगते हैं और कभी गुनगुनाए जा सकते हैं लुंगी संग फुट टाइपिंग है शाहरुख खान की मौजूदगी में बाकी एक्टर्स को करने के लिए कुछ खास बचता नहीं है पर फिर भी निकेतन अच्छे लगे हैं वह तो अगर शाहरुख के प्रेशर में ना कर केवल अपने ही तरीके से काम करते तो फिल्म और भी बेहतर बनती पर प्रोड्यूसर से पंगा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता खैर फिल्म एक बार देखना बनता है क्योंकि इसमें सभी वो चीज़ें हैं जो आपको पसंद है वैसे भी फेस्टिवल पर सीरियस कौन होता है इन्जॉय करने का यह मूवी अच्छा बहाना है चेन्नई एक्सप्रेस शुरू होती है दादा पोते की कहानी से फिल्म में राहुल यानी शाहरुख खान अपनी परवरिश करने वाले दादा की मौत के बाद उनकी अस्थियां विसर्जित करने ट्रेन पर निकलता है रामेश्वरम की ओर लेकिन असल में उसकी प्लानिंग कुछ और ही है दरअसल वह चाहता है कि वह इस ट्रेन से उतर कर गोवा जाए और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है और वह ट्रेन से नहीं उतर पाता क्योंकि यहाँ उसे मिल जाती है मीना लोची यानी दीपिका पादोड़ और उसके बाद राहुल गोवा पहुँचने की जगह पहुँच जाता है चेन्नई जहां शुरू होता है भाग दौड़ और लुका छिपी का खेल फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का मकसद है लोगों को एंटरटेन करना जिसमें यह फिल्म कामयाब रही है यानी यह मास इंटरटेनर फिल्म है फिल्म में काफ़ी जगह अच्छी कॉमेडी और अच्छे सीन हैं डायलॉग भी काफ़ी मजाकिया लिखे गए हैं चालीस की उम्र में राहुल यानी शाहरुख खान के किरदार पर क्या टिप्पणी करे क्योंकि शाहरुख खान अपने ही अंदाज के मालिक हैं और यहाँ तक कि बादशाह भी उधर दीपिका पातकोर ने भी दक्षिण भारतीय लड़की के किरदार को बाखूबी निभाया मीना की भूमिका में जान डाल दी है फिल्म में शाहरुख खान ने अपनी ही पुरानी फिल्मों के सीन और पुराने डायलॉग्स को काफ़ी मजाक अंदाज में पेश किया है जिन्हें देखकर और सुनकर हंसी आती है डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपने अंदाज के सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और वही चेन्नई एक्सप्रेस में भी नज़र आता है लेकिन जब शाहरुख खान और रोहित शेट्टी जैसे दो मास्टर एक साथ आए हों तब उम्मीद की जाती है कुछ ज़्यादा की कुछ नए की यानी कॉमेडी और रोमांस के भरपूर तड़के की इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन तो है लेकिन शाहरुख खान के होते हुए भी रोमांस की कमी है उधर फिल्म की कहानी में नयापन नहीं है क्योंकि बिना मर्जी के करवाई जा रही शादी से भागती लड़की की कहानी हम कई बार देख चुके हैं और हीरो उसे कैसे बचाता है यह भी हमने फिल्मों में देखा है बस नया कुछ है तो वह है साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया का मिलन शाहरुख खान की बाकी फिल्मों के मुकाबले चेन्नई एक्सप्रेस का संगीत भी साधारण है सो चेन्नई एक्सप्रेस का सफ़र हसीन तो है लेकिन कुछ नया नहीं है नौ अगस्त दो को रिलीज हुई थी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस इसको रिलीज हुए छः साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नज़र आई थी रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए थे इस फिल्म में दीपिका पहली बार साउथ की लड़कियाँ के किरदार में नज़र आई थी और उनका रोल लोगों को काफ़ी पसंद आया था चेन्नई एक्सप्रेस में पहली बार रोहित शेट्टी और शाहरुख खान साथ काम किए थे इसके गाने से लेकर डायलॉग तक सब कुछ काफ़ी फेमस हुआ था लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए दीपिका पातकोड़ पहली पसंद नहीं थी आइए हम आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्से नंबर वन फिल्म का गाना वन टू थ्री काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसमें नजर आने वाली साउथ की एक्ट्रेस प्रियामढ़ का डांस भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था लेकिन आप जानकर चौक जाएंगे कि प्रियामढ़ का बॉलीवुड कनेक्शन है ये विद्या बालन की कजिन है नंबर टू बॉलीवुड में दीपिका पादकोर से पहले रोहित शेट्टी ने रोल करीना कपूर को ऑफर किया था करीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें फिल्म ऑफर हुई तब वो तालाश को अपने डेट्स दे चुकी थी और इसलिए इसे ना कहना पड़ा नंबर थ्री सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं फिल्म का टाइटल चेन्नई एक्सप्रेस भी रोहित शेट्टी की पहली पसंद नहीं थी रोहित तो उसे साउथ टच देने के लिए इसका नाम रेड्डी स्टडी पो रखना चाहते थे लेकिन फिल्म में ट्रेन से दीपिका और शहरू की प्रेम कहानी का कनेक्शन जोड़ने की वजह से इसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस रख दिया गया और रेड्डी स्टडी पो को इसके टाइकलाइन की तरह इस्तेमाल किया गया नंबर फोर इस फिल्म में दिखाया गया कि ऊटी का खूबसूरत सीन आपको काफ़ी पसंद आया होगा नंबर फोर इस फिल्म में दिखाया गया ऊटी का खूबसूरत सीन आपको बहुत पसंद आया होगा लेकिन ये सीन ऊटी में शूट नहीं हुए थे बल्कि वहाँ के लोकेशन को पंचगनी में क्रिएट किया गया था फिल्म के आर्ट डायरेक्टर नरेंद्र रोहारकर ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए इस काम को अंजाम दिया था नंबर फाइव इस फिल्म में दीपिका पातकोड़ के साथ एक सीन शूट करते वक्त शाहरुख खान घायल हो गए थे इस वजह से उन्हें बाद में अपने कंधों की सर्जरी भी करनी पड़ी थी नंबर सिक्स चेन्नई एक्सप्रेस पहली बॉलीवुड फिल्म बनी जो इंडिया और पेरू दोनों जगह एक साथ रिलीज हुई थी अगर आप शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस को उस साल की बिगेस्ट रिलीज मान रहे हैं तो गलत हो सकते हैं बिगेस्ट तो नहीं लेकिन यह फिल्म ऐसी है कि अगर आप इसे देखोगे तो गारंटी बोर नहीं होगी और अगर ना देखी तो भी चलेगा यानी कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो आपने आप में कभी ना सुनी हो लेकिन हाँ कॉमेडी इंटरटेनिंग है चालीस साल का सिंगल मर्द अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता है पहले दादाजी राहुल से अधिक प्यार करने के चलते उसे शादी करने नहीं देते फिर उसकी मौत के बाद जब राहुल गोवा जाने वाला होता है तब दादी जी राहुल को दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रामेश्वरम भेजना चाहते हैं दादी को बेवकूफ़ बनाकर गोवा जाने के चक्कर में उसे चेन्नई एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है बस उसी ट्रेन में हीरो यानी शाहरुख खान यानी दीपिका को उसके गुंडे भाइयों से बचाने की कोशिश करता है और यही से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के स्टाइल में चल पड़ती है एक लव एक्सप्रेस चेन्नई में कम्बन गांव के डॉन की बेटी होती है चेन्नई में कम्बन गांव के डॉन की बेटी होती है मीढ़ा जो अपने अप्पा की पसंद से लड़के से शादी नहीं करना चाहती और भाग रही होती है इसी चक्कर में डॉन राहुल की ज़िंदगी का भी दुश्मन बन जाता है फिर कैसे राहुल हिम्मत जुटाता है और अपने भाई से कई ज़्यादा तगड़े गुंडों और डॉन दुर्गेश्वर से भिड़ता है और अंत में दिमाग नहीं दिल से सभी को जीतता है यही है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी रोहित शेट्टी की इस कॉमेडी एक्शन फिल्म में एक्शन तो है लेकिन एकदम आम इसलिए फिल्म में सिंघम, दबंग और खिलाड़ी के एक्शन की उम्मीद ना करें जहां तक बात कॉमेडी की है तो आपको ये फिल्म देखने के दौरान आपको हंसी आएगी इसकी तीन वजहें हैं नंबर वन आम तौर पर जब भी कोई आपके सामने जानबूझ कर किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो आप समझते नहीं हैं तो आपको हंसी आती है बिल्कुल ऐसे ही फिल्म में कॉमेडी की अहम वजह है तमिल भाषा जो देविका यानी चेन्नई की मीनामा और मीना लोचनी तो ठीक से जानती है लेकिन मुंबई के रहने वाले शाहरुख खान नहीं समझते और तमिल भाषा के हर शब्द का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं गलत उच्चारण भी करते हैं इसी वजह से लोगों को हंसी आ जाती है हालांकि ये खबरें भी थी कि साउथ इंडियन कम्यूनिटी ने इस पर ऐतराज़ भी जताया है लेकिन तब दीपिका ने यह सफाई दी थी कि रोहित शेट्टी और वो खुद भी साउथ इंडियन ही हैं इसलिए ऐसा नहीं करेंगे जैसा दीपिका के पिता का किरदार निभा रहे सत्यराज जब शहरुख से तमिल भाषा में बात करते हैं और कहते हैं कि तमिल मेरी माँ है तब तमिल भाषा नहीं जानने वालों को हंसी आती है इसके जवाब में शहरुख कहते हैं यह मेरी माँ के बारे में क्या बोल रहा है दिलचस्प बात यह है कि कहानी में कॉमेडी के लिए शहरुख ने अपनी खास फिल्मों की लाइनें ही चुनी हैं जैसे आई एम राहुल एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट इस बात में कोई दोरा नहीं है कि शहरुख को रोमांटिक और डॉन वाले किरदार ज़्यादा शूट करते हैं शहरुख ने इस फिल्म के साथ पहली बार फुल कॉमेडी में हाथ हजमाया है कहीं कहीं पर आपको शाहरुख के एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर नजर आएंगे फिर भी शाहरुख ने कॉमेडी इसलिए खींच ली क्योंकि साजिद और फरहाद ने कॉमेडी डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं रोहित शेट्टी की फिल्म और गाड़ियों के साथ स्टंट न हो ऐसा हो नहीं सकता लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में डबल मीनिंग कॉमेडी नहीं है यानी पूरा परिवार इस फिल्म को साथ बैठ देख सकता है इसके अलावा फिल्म देखने की पांच वजह है नंबर वन सुपरस्टार शाहरुख खान जो करोड़ों दिलों की धड़कन का बादशाह है इस बार सलमान नहीं बल्कि शाहरुख ने ईद पर फिल्म बीच की थी ऐसे में खान की ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ गई थी फिर शहरों की पॉपुलरिटी तो सात समंदर पार ही थी अब तो सलमान और शाहरुख खान भी दोस्त बन गए थे यानी सलमान के फैंस शाहरुख के ऐसे में टिकट खिड़की पर लंबी लाइन तो तय थी नंबर टू फिल्म में कोई भी एस्टिमेट सीन नहीं है ऐसे में आप पूरे परिवार के साथ फिल्म देख सकते हैं नंबर थ्री साल 2007 में देविका ने शहरू के अपोजिट फिल्म ओम उम शांति ओम में अपना डेब्यू किया था ऐसे में दर्शक यह जरूर जानना चाहते थे कि इस बार दोनों की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी नंबर फोर शाहरुख को दीपिका से जब कोई सीक्रेट बात कहनी होती है तब वो गाना गाकर अपनी बात कहते हैं और दीपिका भी हिंदी में गाना गाकर जवाब देती हैं ताकि उनका कोई तमिल भाषी रिश्तेदार समझ न जाए यह फिल्म का बेस्ट पार्ट है साउथ की स्टार प्रियमड़ी का आइटम नंबर आपका दिल लुभाएगा और आपको डांस फ्लोर पर जाने के लिए मदद करेगा नंबर फाइव डायरेक्शन में रोहित शेट्टी की अपनी छाप है आप यह भी कह सकते हैं कि यह फिल्म शाहरुख नहीं रोहित शेट्टी की है इससे पहले भी रोहित गोलमाल सीरीज की फिल्मों में कॉमेडी में अपनी स्टेप लगा चुके हैं रोहित की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन और एक्शन फिल्म सिंघम ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था कॉमेडी में रोहित की महारत देख ही शाहरुख ने इस फिल्म के लिए पहली बार में हामी भर दी थी खुद साउथ इंडियन होने का रोहित और दीपिका ने पूरा फायदा उठाया फिल्म के तमिल कैरेक्टर्स वाले एक्टर्स के चुनाव में कोई कमी नहीं रही थी फिल्म में दिखाया गया कि साउथ का शटअप आप आपको यही याद दिलाता रहेगा कि आप चेन्नई में हैं दीपिका के एक्शन और कहानी में दिखाई गई साउथ की खूबसूरती आपको पसंद आएगी गोवा हैदराबाद और मुंबई के अलावा फ़िल्म की शूटिंग केरल में भी हुई है लेकिन फिल्म की तीन वजहों के चलते आपको मायूसी भी हो सकती है नंबर वन फिल्म के अंत में सुपरस्टार रजनीकांत को ट्रिब्यूट कर दिया गया है गाने का नाम है लुंगी डांस यह वो गाना है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं लेकिन हनी सिंह की इस पेशकश को एंड में रखा गया है जब जनता थिएटर छोड़कर जाने लगती है वही फिल्म में बाकी गाने जिनका म्यूजिक विशाल शेखर ने दिया है वो ठीक ठाक हैं लेकिन गाने इतने भी अच्छे नहीं हैं कि आप बार बार सुनना चाहें नंबर टू फिल्म में शाहरुख खान 40 के दिखाए गए हैं शायर रोहित ने भी पहचान लिया कि अब बादशाह के चेहरे पर उनकी उम्र का पता चलने लग गया है और आप तो जानते ही हैं कि दीपिका को दर्शक रणबीर जो कि उनकी उम्र के हैं के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे तो दीपिका फिल्म में बेहद खूबसूरत लगी हैं लेकिन कहीं कहीं पर आपको दोनों की जोड़ी बेमेल लगेगी नंबर थ्री कहीं कहीं पर आपको यह भी लगेगा कि शाहरुख खान कॉमेडी के पास होने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो उनकी ओवर एक्टिंग भी पसंद कर लेंगे वरना यह मेहनत साफ नजर आएगी यह है नया फ्लेवर हीरो को जाना है गोवा और वह सवार हो जाए चेन्नई एक्सप्रेस में बातें ऐसी कि ना डबिंग की ज़रूरत और ना सब टाइटल की कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिनेमा की सांस्कृतिक रील में देश एकमे हुआ जा रहा है ये रोहित शेट्टी और शाहरुख खान का कॉकटेल है चेन्नई एक्सप्रेस एक नया सिनेमाई अनुभव है बॉलीवुड के सबसे महंगे डायरेक्टर बन चुके रोहित शेट्टी से कई लोगों को शिकायत है कि वे अपनी फिल्मों में गोलमाल और बोलबच्चन ज्यादा करते हैं ये लोग चेन्नई एक्सप्रेस में देख सकते हैं कि रोहित बिना चुटकलेबाजी के, के भी अच्छी फिल्म बना सकते हैं अपने रंग बिरंगे कैनवास पर तेज़ रफ्तार से उड़ती कारों के साथ शाहरुख को हीरो लेकर भी रोहित ने अपने अंदाज को बरकरार रखा है वही शाहरुख खान के लिए फिल्म नया एनर्जी ड्रिंक है वह अपने रोमानी रूप में पुराने राहुल ही लगे हैं और जब प्यार की कस्में खाते हैं तो सिनेमा हॉल में लड़कियों का दिल धक धक करने लगता है अगर आप अपने परदेश और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान को पसंद किया है तो वह आपको यहाँ भी अच्छे लगेंगे फिल्म में दीपिका पादुकोण का नाम पर्दे पर शाहरुख से पहले उभरता है जैसे जैसे चेन्नई एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ती है दीपिका अपनी साउथ इंडियन टोन के साथ दर्शकों पर छाने लगती हैं उनकी बोकवास दिल में उतरने लगती है अपनी नौकाओं को सम्मान देने के लिए शाहरुख के अलावा कोई और हीरो फिल्म में होता तो आज दीपिका के परफॉर्मेंस से घबराकर उनके रोल पर कई चलवा सकता था दीपिका ने यहाँ पर खुद को अपनी प्रतिद्वंदी कैटरीना से मिलो आगे साबित किया है और बताया है कि वे अभी भी लंबी दूरिया तय करेंगी कैटरीना के साथ जब तक है जान करके शाहरुख खान नाकामी के किस भौर में फंसे थे दीपिका ने उन्हें उससे उबार दिया है रही बात फिल्म की कहानी की तो वह सीधी साधी और सरल है हीरो को दादाजी ने बचपन से पाला है सवे जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर को निन्यानवे रन पर आउट होते देख वे दुनिया को कूच कर जाते हैं उनकी इच्छा थी कि अस्थिया रामेश्वरम में विसर्जित की जाए हीरो इसी के लिए निकलता है लेकिन ट्रेन में उसे हीरोइन मिलती है जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे हैं उसे बचाने की कोशिश में हीरो भी उसके चंगुल में फंस जाता है और आखिर माजरा क्या है पहले सीन में फिल्म कॉमिक टोन लिए हुए है अतः किसी भी कोर्ट से इसे गंभीर होकर देखने की कोशिश मीठे में मिर्ची तलाशने की तरह नाकाम साबित होगी ऐसा कतई नहीं है कि इस कॉमेडी को देखने के लिए दिमाग घर पर छोड़ के जाने की ज़रूरत है फिल्म में बहुत कुछ है जिसे दिमाग में दर्ज किया जा सकता है विशाल शेखर ने फिल्म का संगीत तैयार किया है लेकिन हनी सिंह का अकेला लुंगी डांस उन सब पर भारी पड़ा है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान उनकी टीम और उनके फैंस के लिए ईद का इनाम थी इसमें जोश है ऊर्जा है गुदगुदी है फिल्म में दक्षिण का चांद उत्तर के आकाश में निकला है एक ही संदेश के साथ लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान इंडस्ट्री के वो अभिनेता हैं जिनके साथ हर एक्ट्रेस फिल्मों में काम करना चाहती है यहां तक कि दीपिका पादुकोण ने भी अपने करियर की शुरुआत इस शारके के साथ ही की थी शाहरुख खान अब तक कई एक्ट्रेस के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करते दिखे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्ट्रेस ऐसी भी है जिसने शाहरुख खान के साथ काम करने से मना कर दिया था हम बात कर रहे हैं साउथ की लेडी सुपरस्टार स्टार नयन तारा की दरअसल नैन तारा को शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए अप्रोच किया गया था यह हम साफ कर दे कि नैन को फिल्म में दीपिका के रोल के लिए नहीं बल्कि फिल्म के सुपरहिट सॉन्ग वन टू थ्री फोर के लिए ऑफर मिला था जिसे नैन ने रिजेक्ट कर दिया एक्ट्रेस ने बिना कारण बताते हुए ही बिनम तरीके से इस आइटम नंबर के लिए मना कर दिया हालांकि बाद में इस आइटम नंबर के लिए प्रियामढ़ी को साइन कर लिया गया था फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी वही फ्रंट की बात करें तो नैन हाल ही में ब्लॉक फिल्म अनथे में नजर आई थी जिसमें एक्ट्रेस थलाइवा रजनीकांत के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखी थी नैनतारा को दरबार राजा रानी अरम इमायका नोदियेगल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं शाहरुख खान पिछले काफी समय से बॉलीवुड से दूरिया बनाए हुए थे उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल शाहरुख खान एक बार फिर से कम करेंगे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की फिल्म पठान इसी साल रिलीज हो सकती है एक लड़का था सावला सा औसत चेहरे और कद काठी वाला उसने नब्बे के दशक में हमें सिखाया कि भोलेपन के साथ सही नीयत के साथ और स्मार्टनेस के साथ प्यार करो तो उसे हासिल भी किया जा सकता है उसने एक यकीन पैदा किया रोमानियत के इर्द गिर्द दर्जनों फिल्में बनी उस लड़के शहरों के इर्द गिर्द जिन्होंने इस फलसफे को नए अध्याय मुहैया कराए चेन्नई एक्सप्रेस अब अधेड़ होचले उस लड़के की यादों को बार बार नए ढंग से याद कराती है फिल्म की शुरुआत में ही डी की तर्ज पर शाहरुख खान ट्रेन से लटकते हैं और दरवाजे की तरफ बेहताशा भागती देविका को हाथ बढ़ाते हैं इस फिल्म में शाहरुख की नई फिल्म छवियों को उनके स्टाइल को उनके गानों को बाखूबी इस्तेमाल किया गया है इसलिए शाहरुख के दीवानों को एक फिल्म में शाहरुख की जर्नी का रेफरेंस देखना लुभाता है एक और लड़का है रोहित शेट्टी पिता एक्शन डायरेक्टर सिट्टी थे सो उसने पहले ही फिल्म बनाई जमीन सो उसने पहली फिल्म बनाई ज़मीन उसमें जमकर एक्शन रखा मगर फिल्म नहीं चली रोहित को सबक मिला कि एक्शन तो ठीक है मगर पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने के लिए कॉमेडी की डोज भी चाहिए फिर सामने आई गोलमाल फ्रेंचाइजी बोल बच्चन और सिंघम जैसी फिल्में जिनमें इन दोनों का शानदार मेल दिखा अच्छे गाने सिचुएशनल कॉमेडी एक लव स्टोरी और एक ऐसा एक्शन हीरो जो कि हीरो बनता है और एक ऐसा एक्शन जो हीरो को हीरो बनाता है चेन्नई एक्सप्रेस में भी यही सब है मगर इसमें एक चीज़ और जुड़ गई है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है शाहरुख खान ये बड़ा दांव था जो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ चेन्नई एक्सप्रेस में शहरुख को रखने के फेवर में वो चीज़ मिसिंग हो गई जिसकी हमें आदत है अजय देवगन का भुझा पड़काता एक्शन इसके अलावा किरदार के ऊपर स्क्रीन इमेज भी ओवरलैप हो गई इन सब को भूल जाए तो रोहित शेट्टी की फिल्मों के दीवानों को निराश नहीं होना पड़ेगा चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी कुछ यूं है कि राहुल के माँ पापा नहीं हैं दादाजी थे लेकिन अब वो भी नहीं हैं मगर उसकी दादी का कहा कि राहुल को मुंबई से रामेश्वरम जाकर दादी की अस्थियाँ बहानी है मगर चालीस के हो गए और मस्ती के बहाने खोजते राहुल को तो दोस्तों के साथ गोवा जाना है दादी का मन रखने के लिए वो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होता है अगले स्टेशन पर उतरने के लिए मगर वो उतरता है एक ज़मीन पर दक्षिण भारत में जिसको लेकर लाख फंसाने हैं उत्तर भारतीयों के फिल्में देखकर किस्से सुनकर बने बोरियत से भरे और असलियत की ज़मीन पर हकलाने से बहरहाल राहुल को ट्रेन में मिलती है घर से शादी से बचने के लिए भागी मीना मीना के फेर में राहुल एक गांव में पहुंचता है मीना के डॉन पिता से मिलता है मीना के दावेदार एक पहलवान से दिखते युवक से मिलता है भागो बचो रुको फिर भागो इस फेर में प्यार हो जाता है और आखिरी में शहरुख के ही फिलसफी में कहे तो सब ठीक हो जाता है चन्नई एक्सप्रेस हिंदी फिल्म है मगर इसमें किरदार और लोकेशन के चलते तमिल का भी जमकर इस्तेमाल हुआ है यह ज़्यादातर दर्शकों को हंसाता है मगर दिल्ली की एक फिल्म देख कर, निकली पंजाबी अंटी के शब्दों में कहे तो इल्ले इले एक पॉइंट के बाद समझ नहीं आता तमिल के अलावा हिंदी जानने और ना जानने को लेकर गढ़ा गया हाथ ज्यादातर दर्शकों को अच्छा लगता है अगर आप अच्छे सिनेमा के शौकीन हैं तो खुद पर तरस खा सकते हैं मगर रोहित शेट्टी ने कभी इस ट्रिक को छुपाया भी तो नहीं तो शिकायत कैसी फिल्म के गाने अच्छे हैं और शहरों की रोमांटिक फिल्मों के एल्बम में कई नए नगीने जड़ते हैं वन टू थ्री फोर में प्रेमर ताजत दिखी हैं तितली गाने में देविका कई तरह के दक्षिण भारतीय साड़ियों में फूलों सबीश महकती खुशबूदार लगी हैं दूसरे गाने भी अच्छे हैं मगर एक वक्त के बाद आपको लगता है कि अब कहानी में कुछ जोरदार होना चाहिए गाना आ जाता है प्रसाद यही है रेगुलर मसाला हिंदी सिनेमा जहां पर्यावरण की रक्षा का संदेश देने के लिए हीरो का हरे भरे मैदानों में मटकना मचलना लाजमी है फिल्म हमें दक्षिण भारत की तमीज और तरीके दिखाती है रोहित अब तक मुंबई गोवा में अटके थे मगर यहाँ एक नया भारत दिखता है झरने पहाड़ रंगीनीत से भरपूर गांव, खेत और समुंदर कैमरा वर्क और लोकेशन इन दोनों मोर्चों पर फतेह हासिल हुई है फिल्म को जैसा वादा है फिल्म में जमकर कॉमेडी है कभी गानों को ट्विस्टेड ढंग में गाकर संदेश देने की कवायद कभी तमिल और हिंदी के मेल से पैदा हुई हालात की कॉमेडी इन सब का कोटा पूरा हुआ तो बौना मिल गया कुछ मोटे लोग आ गए और इन सब की क्विट लानत मलानत करने के लिए राहुल ने दारू पीकर दंगा भी कर दिया रोहित को पता है कि सीरियस सिनेमा के लिए तमाम दिग्गज हैं मगर पब्लिक तीन घंटे और सैकड़ों रुपए का टिकट पाकर जो करने आती है वो है मज़ा और उनकी मूवी अपने तई खूब मजा देती है आम भारतीय दर्शकों को शाहरुख खान को प्यार करते देखना भाता है मगर यहाँ तो बिल्कुल आखिरी में एक प्रेमी के रूप में नज़र आते हैं उससे पहले वह हालात से जूझते एक आदमी हैं ऐसे में वह कुछ नया बेहतर नहीं कर पाते कॉमेडी के लिहाज से कहे तो ज़्यादा जमे नहीं शहरुख दीपिका जरूर मीना के रोल में रमसी गई उनके और शहरुख के बीच की केमिस्ट्री लेकिन ज़्यादा कुल पैदा नहीं कर पाई शहरों का एक्शन भी उनकी कद काठी के चलते ज्यादा भरोसा पैदा नहीं कर पाता बार बार हवा में उछल कर शेर की दहाड़ के बैकग्राउंड स्कोर में झपट्टा मारते अजय देवगन याद आ रहे थे बाकी कलाकारों को सिर्फ हंसाना था और इस काम के लिए उनके मास्टर के रूप में रोहित तैनात थे अच्छा ये रहा कि रोहित टीम के रेगुलर फेस फिल्म में नहीं थे तो कुछ नयापन था फिल्म के प्रचार के दौरान दावा किया जा रहा था कि ये एक मुल्क में कभी राष्ट्रीयताओं के भाषाओं के तहजीबों के फर्क को दिखाती फिर पाठती नजर आएगी इसके लिए सबको पिरोने वाले धागों के रूप में चुनी गई एक प्रेम कहानी डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन यह सुनवास शाहरुख खान चेन्नई एक्सप्रेस में कई बार बोलते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस की टीम ने कॉमन मैन के कॉमन सेंस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती कर दी है लगता है शाहरुख खान दूसरे कलाकारों की इटली डोसा छाप फिल्मों की सफलता को देख घबर आ गए हैं और उन्होंने भी उस लकीर पर चलने की कोशिश की एंटरटेनमेंट के नाम पर कॉमन सेंस को किनारे रखा और नतीजे में चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्म सामने आती है जिसमें मनोरंजन नामक इंजन नहीं है इस फिल्म में शाहरुख खान ने अपने किरदार का लकी नाम राहुल रखा डी के सीन दोहराए निर्देशक रोहित शेट्टी ने कारे उड़ाई कॉमेडी के नाम पर आइटम्स रखे आइटम सॉन्ग रखा लेकिन सब बेकार मनोरंजन के नाम पर जो हरकतें की गई हैं वो बिल्कुल लुभाती नहीं हैं यह फिल्म पूरी तरह से सपाट है कहानी बेहद साधारण है राहुल यानी शाहरुख खान को अपने दादा की अस्थियाँ रामेश्वरम में विसर्जित करना है वह मौज मस्ती के लिए गोवा जाना चाहता है लेकिन अपनी दादी को चकमा देने के लिए वह मुंबई से चेन्नई एक्सप्रेस में सवार हो जाता है ताकि अगले स्टेशन से उतरकर वह गोवा की ओर चल पड़े जैसे ही ट्रेन चलती है मीना यानी देविका पातकोड़ प्लेटफार्म पर दौड़ लगाती हुई आती हैं राहुल अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे बोगी में बिठा लेता है पीछे तीन चार लोग और आते हैं उनकी भी वह मदद कर देता है बाद में उसे पता चलता है कि वो लोग गुंडे हैं और मीना का अपहरण करके गांव ले जा रहे हैं राहुल अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और मीना को बचाने की कोशिश में उसके गांव तक पहुंच जाता है मीना के पिता गांव के डॉन रहते हैं और दूसरे गांव के एक डॉन से उसकी शादी करवाना चाहते हैं मीना यह शादी नहीं करना चाहती और राहुल को अपना प्रेमी बता देती है इसके बाद राहुल और मीना भागते रहते हैं और डॉन के गुंडे उन्हें ढूंढते रहते हैं मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा में दोनों के साथ कई घटनाएं घटती हैं और प्रेम के बीच अंकुरित होते हैं इस कहानी में कई छेद हैं रोहित शेट्टी की यह खासियत है कि वे प्रसंगों को इतना मज़ेदार रखते हैं कि दर्शक कहानी की कमियों को इग्नोर कर देते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में रोहित का यह जादू नदारद है लिहाजा बार बार कमियों की ओर ध्यान है। देवका जाता है जैसे देविका के गांव में जाकर शहरुख फंस जाता है मोबाइल उसके पास नहीं रहता है कहीं से मोबाइल का इंतज़ाम होता है तो उसे एक भी नंबर याद नहीं रहता जबकि कितनी भी कमज़ोर यादाश्त हो दो चार नंबर तो याद ही रहते हैं पुलिस उसकी नहीं सुनती क्योंकि वह डॉन से डरती है लेकिन वह दूसरे गांव में रहने के बावजूद वहां की पुलिस की मदद नहीं लेता उसकी कोशिश यह नहीं दिखाती कि वह दीपिका के पिता के चंगुल से निकलने के प्रति गंभीर है चेन्नई एक्सप्रेस की एक और बड़ी खामी यह है कि दीपिका और शहरुख को छोड़ कोई भी किरदार दमदार नहीं है आमतौर पर रोहित शेट्टी ढेर सारे किरदारों को लेकर फिल्म बनाते हैं लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में कैमरा शाहरुख खान दीपिका पर इतना ज़्यादा फोकस रहता है कि कोप्त होने लगती है किरदारों की कमी महसूस होती है फिल्म में ढेर सारे संवाद तमिल में हैं रोहित जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाते हैं वो यह कभी नहीं चाहेंगे कि उन्हें हिंदी फिल्म में ज़्यादातर संवाद तमिल में सुनने को मिले यदि रोहित तमिलभाषियों को हिंदी बोलते हुए भी दिखा देते तो कोई हर्ज नहीं था फिल्म की हीरोइन को तो उन्होंने हिंदी बोलते हुए दिखाया है जो कि तमिल भाषी है मसाला फिल्मों के रोहित शेट्टी काबिल निर्देशक माने जाते हैं उन्हें पता रहता है कि किस मसाले का कब और कितनी मात्रा में उपयोग करना है लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में उनका अनुपात गड़बड़ा गया है इंट्रोल के पहले उन्होंने मात्र एक गाना रखा है और दूसरे हिस्से में कई गाने हैं इस फिल्म से रोमांस भी नदारद है शाहरुख खान रोमांस के बादशाह माने जाते हैं और कहानी की भी यह मांग थी कि मुंबई से रामेश्वरम की यात्रा के दौरान फिल्म के दोनों किरदारों से रोमांस पैदा किया जाए लगभग दो तिहाई से भी ज़्यादा फिल्म गुजरने के बाद दोनों किरदारों में प्रेम के बीज अंकुरित होते हैं तब तक बात हाथ से निकल चुकी होती है कई ऊटपटांग प्रसंग देख दर्शक थक चुके होते हैं इंटरल के पहला वाला हिस्सा उबाऊ है प्रसंगों को बहुत लंबा रखा गया है खासतौर पर ट्रेन में सरुख का और गुंडों के दृश्य की लंबाई बहुत ज्यादा है कई दृश्य ऐसे हैं जिनका कहानी से कोई वास्ता ही नहीं है मसलन जंगल में शहरों को और एक बौने पर फिल्माया गया दृश्य दीपिका के रात में सपने देखने वाला दृश्य शाहरुख दीपिका का गाने गाकर बातें करना दीपिका को गोद में उठाकर शाहरुख का मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना जैसे कुछ उम्दा दृश्य भी हैं लेकिन इनकी गिनती कम है खास बात यह कि कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता और फुहरता से दूरी बनाकर रखी गई है एक औसत स्क्रिप्ट और औसत निर्देशन से उठकर शाहरुख खान ने अपने कंधों पर फिल्म खींचने की भरपूर कोशिश की है लेकिन उनके लिए भी यह भार कुछ ज्यादा ही है अपनी चिरपरिचित स्टाइल में उन्होंने अभिनय किया है और क्लाइमैक्स में उनका अभिनय बेहतरीन है कहा जा सकता है वह एकमात्र कारण हैं जिनकी वजह से फिल्म में थोड़ी रुचि बनी रहती है कॉकटेल ये जवानी है दीवानी जैसे फिल्में आधुनिक लड़की के किरदार निभाने के बाद दीपिका ने देसी गर्ल का रोल निभाया है उच्चारण और अभिनय के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और परिणाम सुखद रहा है कॉमिक सीन में उनकी टाइमिंग भी अच्छी रही है सत्यराज और नितिन धीर के लिए करने को ज़्यादा कुछ नहीं था फिल्म का म्यूजिक हिट तो नहीं है लेकिन तितली वन टू थ्री फोर सुनने और देखने में अच्छे लगते हैं रोहित शेट्टी शाहरुख खान और दीपिका पादकौड़ के नाम से जिस कमर्शियल और एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म की उपेक्षाएं पैदा होती हैं उस पर चेन्नई एक्सप्रेस खड़ी नहीं उतरती यह एक्सप्रेस की तरह नहीं बल्कि लोकल गाड़ी की तरह चलती है चेन्नई एक्सप्रेस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और गौरी खान द्वारा निर्मित 2013 की भारतीय एक्शन फिल्म है शाहरुख खान दीपिका पादुकोण फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म ने 226 करोड़ रुपए का कारोबार किया था इस फिल्म को निर्देशित किया था रोहित शेट्टी ने इसके निर्माता हैं गौरी खान रोनी स्क्रूवाला सिद्धार्थ राय कपूर पटकथा इसकी यूनिस साजवाला की इसमें संगीत दिया था विशाल शेखर ने छायाकार है इसके डुडले, संपादक है इसके स्टीवन ने स्टूडियो इस था इसमें रेड सिलीज एंटरटेनमेंट का वितरक है इसके यू टू मोशन पिक्चर्स ये आठ अगस्त दो हजार तेरह को यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी और नौ अगस्त दो हजार तेरह को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी यह एक सौ इकतालीस मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत थी सिपर हंड्रेड फिफ्टी टू नाइन हंड्रेड मिलियन और इसने कुल कारोबार किया था 3.95 अरब डॉलर चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में राहुल यानी शाहरुख खान 40 वर्षीय अबुवाहित उत्तर भारतीय युवक है जिसे उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके दादा लेक टंडन और दादी कामनी कौशल ने पाल पोस बड़ा किया है उसके दादा की आखिरी इच्छा थी उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में प्रवाहित कर दिया जाए उनकी इच्छा के अनुसार वो उनकी अस्थियाँ लेकर चेन्नई एक्सप्रेस में सवार होता है वैसे उसकी असल योजना होती है कि वो अपनी रामेश्वरम यात्रा को बीच में छोड़कर दो रास्तों के साथ छुट्टियां मनाने गोवा चला जाए ट्रेन में उसकी मुलाकात एक तमिल लड़की मीना यानी दीपिका पादकोट से होती है कुछ लोग मीना का अपहरण करना चाहते हैं और मीरा उनसे बचने का प्रयास करती है मीना के पिता सत्यराज कुंभन गाँव के कुख्यात डान हैं उन्होंने ही मीना के पीछे उसका अपहरण करने के लिए अपने रिश्तेदारों को भेज रखा है वो मीना की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध थंगा बलि यानी निकतन धीर से करना चाहते हैं इसी कारण से मीना घर से भाग जाती है राहुल अपनी योजना के अनुसार गोवा नहीं जा पाता क्योंकि वो परेशानी में घिरी मीना को देखता है और महसूस करता है कि उसे मदद की आवश्यकता है इस प्रकार उन दोनों में प्यार हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है इस फिल्म में पहला गाना था वन टू थ्री फोर जिसे गाया था विशाल डडलानी हंसिका अय्यर श्री शरण कस्तूरी रंगन ने दूसरा सॉन्ग था तितली जिसे गाया था गोपी सुंदर चिन्मरी श्रीपाद ने तीसरा सॉन्ग था तेरा रास्ता छोड़ो ना जिसे गाया था अनुषा मढ़ी अमिताभ भट्टाचार्य ने चौथा सांग था कश्मीर महतू कन्याकुमारी जिसे गाया था सुनिधि चौहान अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने पांचवा पाँचवांग था रेड्डी स्टडी पो जिसे गाया था मचास बिद अतुदे अत के विशाल डटलानी बोधा भी ओम स्मोकी और इंकोरे नोटली डी लुक्यो ने छठा सांग था चेन्नई एक्सप्रेस जिसे गाया था एस पी बाला सुब्रमण्यम और जेनीटा गांधी ने चौथा सांग था तितली जो कि डब स्ट संस्करण में था जिसे गाया था जोहेब खान और फोनिक्स ने आठवां सांग था चेन्नई एक्सप्रेस जो कि मैशप में था जिसको बनाया था डीजे जे किरण कामथ ने और नवा सांग था लुंगी डांस जिसे गाया था योयो यो हनी सिंह ने चेन्नई एक्सप्रेस को भारत में मिली जुली समीक्षाएं मिली थी चेन्नई एक्सप्रेस भारत की विश्व स्तर पर सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनने में सफल रही थी इस फिल्म ने कुल 3.95 बिलियन की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार फिल्म ने थ्री इडियट्स द्वारा बनाए गए उच्च मानक रिकॉर्ड को तोड़ दिया था करीब डेढ़ महीने के प्रमोशन के बाद देश विदेश में पहली बार लगभग चार हज़ार स्क्रीन पर रिलीज हुई बॉलीवुड के किंग खान की इस फिल्म के टाइटल ने पहले ही साफ कर दिया था कि कुछ नया देखने की चाह में थिएटर का रुख करने वालों को इस एक्सप्रेशन ट्रेन की सवारी शायद पसंद ना आए ओम शांति ओम के करीब छः साल बाद दीपिका पादकोड़ और शाहरुख खान की रोमांटिक जोड़ी का दर्शकों में पहले से ज़बरदस्त क्रेज़ बना रहा बॉक्स ऑफिस पर अब तक सभी सुपरहिट फिल्में दे चुके डायरेक्टर रोहित शेट्टी की लगभग 80 करोड़ के बजट में बनी इस एक्शन पैक्ड रोमांटिक लव स्टोरी में उन्होंने अपनी पिछली कामयाब फिल्मों के कई मसालों को फिर से परोसा था करीब पाँच साल पहले रोहित शेट्टी ने के सुभाष की इस स्क्रिप्ट को तैयार किया था इसी बीच रोहित ने अपनी हर नई फिल्म स्टार्ट करने से पहले इस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन इस प्रोजेक्ट पर खर्चा होने वाले मोटे बजट की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिली पिछले साल रोहित ने इस महंगे प्रोजेक्ट पर एक बड़ी कॉरपोरेशन कंपनी और अपने दोस्त करीम मुरानी के साथ काम शुरू किया इस फिल्म की बेहतरीन लोकेशन जो इससे पहले किसी बॉलीवुड मूवी में नज़र नहीं आई फिल्म का जबरदस्त प्लस पॉइंट है पहली बार किसी हिंदी फिल्म में साउथ की लोकेशन में शूट बेहतरीन एक्शन सीन कलरफुल माहौल कास्ट्यूम के साथ रोहित स्टाइल में कारों के उड़ाते सीन फिल्म की खासियत है शहरुख दीपिका की लीड जोड़ी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म के ज़्यादातर कलाकार साउथ से हैं बेशक साउथ में इनकी जबरदस्त पहचान हो लेकिन नॉर्थ में फिल्म के यही कलाकार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कमजोर पक्ष साबित हो सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में करीब चालीस साल के हो चुके शहरुख यानी राहुल की अब तक शादी नहीं हुई है वैसे राहुल के शादी न करने की दूसरी बड़ी वजह उनके अपने दादा यानी लेक टंडन और दादी यानी कामनी कौशल के साथ प्यार है राहुल जब आठ साल का था तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी बचपन से ही राहुल ने खुद को दादा दादी के साथ पाया अचानक एक दिन दादा की मृत्यु हो जाती है दादा की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी अस्थियों को रामेश्वरम में जाकर प्रवाहित किया जाए राहुल अपने दादा की इसी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए मुंबई से ट्रेन पर चेन्नई के लिए निकलता है चेन्नई जाने वाली ट्रेन में राहुल की मुलाकात मीना और मुन्ना यानी दीपिका पादकोड़ से होती है इसी ट्रेन से मीनाम्मा अपने गांव कोम्बन जा रही है लेकिन राहुल को पता नहीं है कि मीनाम्मा को उसके गांव जबरन ले जाया जा रहा है इसी सफर के दौरान हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि ना चाहकर भी राहुल को मुनाम्मा के साथ उसके गांव जाना पड़ता है गांव में मीनामा के पिता दुर्गेश्वरा यानि सत्य का दबदबा है पूरा गाँव उनके एक इशारे पर मरने मारने को तैयार है बिन माँ की मीनामा अपने पिता की कमजोरी है दुर्गेश्वरा अपने पास के गांव में रहने वाले तंग बाली यानी निकतन धीर के साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहता है इसी बीच राहुल और मीनामा एक दूसरे को चाहने लगते हैं लेकिन इन दोनों के रीति रिवाज कल्चर और भाषा सब कुछ अलग अलग है इसके बावजूद दोनों हार मानने को तैयार नहीं हैं शाहरुख खान ने पहली बार इस फिल्म में ऐसे कई एक्शन सीन किए हैं जिनसे आज तक वह बचते रहे हैं राहुल का किरदार शहरु कितनी बार निभा चुके हैं वह शायद उन्हें भी ना मालूम हो राहुल में दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे के राज की झलक दिखती नजर आती है वह इन रोल से पहले शाहरुख अपने किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाए दीपिका ने बेहतरीन तरीके से किरदार निभाया है बेशक इस फिल्म को रिलीज से पहले प्रमोशन के दौरान रोहित शेट्टी स्टाइल का कहा जा रहा था लेकिन इस बार उनका स्टाइल पिछली फिल्मों से काफ़ी कमज़ोर है अगर एक्शन सीन और गजब लोकेशन को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट में उनकी इस बार पकड़ कमज़ोर है कहानी की रफ़्तार उनकी पिछली फिल्मों जैसी नहीं है कश्मीर में तो कन्याकुमारी गाने का फिल्मांकन देखने लायक है इस गाने पर निर्माता ने जितना पैसा खर्चा किया उतने में सीबिट बजट की कोई फिल्म बन जाती वही दूसरी फिल्म के गानों में टिपिकल साउट टच होने की वजह से कोई गाना ऐसा नहीं है जो मूवी हॉल से बाहर आने के बाद भी जुबा पर रहे विशाल शेखर की जोड़ी का म्यूजिक इस बार कमज़ोर साबित हुआ है बेहतरीन लोकेशन साउथ की ऐसी ब्यूटी जिसे आपने पर्दे पर नहीं देखा हो रोहित शेट्टी का एक्शन स्टाइल अदिति लोकेशंस का प्लस पॉइंट है द कमजोर स्क्रिप्ट शहरों की एक्टिंग और एक्टिंग धीमी रफ्तार जरूरत से ज्यादा साउथ को टच फिल्म की बेहद कमजोर कड़ी है चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की थी और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी अपनी मजबूत शुरुआत के चलते यह फिल्म तीन दिन में ही सौ करोड़ रुपये की कमाई करने में सफल हो गई थी पहले सप्ताह के बाकी दिनों में भी फिल्म ने अपना उम्दा प्रदर्शन जारी रखा जिससे फिल्म ने एक सप्ताह के अंदर ही एक सौ पचास करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म ने दूसरे और तीसरे हप्ताह में कुछ हद हाँ तक कलेक्शन में गिरावट दिखा कलेक्शन में ग्राउंड दिखाकर घरेलू मार्केट में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी यहां तक कि इसकी दुनिया भर की कमाई को मिलाकर कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया है इस फिल्म के सभी गाने हिट रहे हैं खास करके लुंगी डांस उस समय की तरह आज भी प्रसिद्ध है यह फिल्म हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है इस फिल्म की रिलीज से पहले फिल्म पर एक एंड्रॉयड गेम लॉन्च हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी की पहली फिल्म है जिसमें सुपरस्टार अजय देवगन नहीं थे फिल्म की मुख्य भूमिका के रूप में दीपिका पातकोर से पहले कैटरीना कैफ को यह रोल मिल रहा था इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने असल में दीपिका पादकौड़ को मंदिर की तीन सीढ़ियों तक उठाया था फिल्म की कास्ट में अभिनेत्री का नाम अभिनेता से पहले दिखाया गया है फिल्म का टाइटल पहले रेडी पोर रखा गया था राहुल यानी शाहरुख खान 40 साल का हो चुका है और अब तक अनमेरिड है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर उसको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव थे वो मुंबई का रहने वाला है और अपने दादा की लास्ट बिश पूरी करने के लिए उनकी एसएच लेकर रामेश्वरम जाना चाहता है इसके लिए चेन्नई एक्सप्रेस से सवार होता है इसी जर्नी में उसकी मुलाकात साउथ के छोटे गांव से गांव कुंबन के रहने वाली मीना यानी दीपिका पादकौर से होती है मीना गांव के डान की बेटी है इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी स्ट्रेस सिचुएशन बनती हैं कि राहुल को मीना के साथ उसके गाँव जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चेन्नई एक्सप्रेस की ये जर्नी राहुल के लिए ऐसा सफर बन जाती है जिसमें सेल्फ रिलजन के साथ साथ जिंदगी का भी सबक पढ़ने को मिलता है इस छोटी सी स्टोरी लाइन को पढ़कर लगता है कि यह फिल्म एक सीधी साधी लव स्टोरी है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इस फिल्म में किंग ऑफ रोमांस का रोमांटिक अंदाज़ है दीपिका की मिस चीवियस प्रेजेंस है और रोहित शेट्टी स्टाइल का एक्शन है कॉमेडी के परफेक्ट तरक़े के साथ फिल्म हिट होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आप शाहरुख से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वह अपने परफेक्ट लवर वाले टैलेंट को भूल सकते हैं और उनके एक्टिंग टैलेंट पर किसी को शक नहीं है दीपिका इस फिल्म में बेहद कॉन्फिडेंस हैं क्योंकि सक्सेस आपको इतना ब्रेव तो बना ही देती है बाकी कमाल रोहित का है जो अपनी फिल्म पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं रोहित की फिल्में एक पर्टिकुलर ट्रैक पर चलती है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है और हाल के बाहर आते हुए आप काफ़ी हल्का फुल्का फील करते हैं अगर आप फिल्म में कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए फिल्म कोई ठाट प्रोवोकिंग फिल्म नहीं है बल्कि फुल बॉलीवुड मसाला एक्शन कॉमेडी है जिसे रोमांस का वर्क लगा कर परोसा गया है शहरों का टिपिकल रोमांटिक अंदाज़ और ठंडा लगता गुस्सा दीपिका का एक खास स्टाइल से लव को डिज़ाइन करते करते उसमें डूब जाना और रोहित का कार चेज की गाड़ियों से ब्लास्ट करवाना इस फिल्म में वो सब है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सिवाय एक चीज़ के जिसे हम नावल्टी कहते हैं लेकिन वन टाइम वॉच और फुलटू मसाला एंटरटेनमेंट के लिए इस बात को इग्नोर किया जा सकता है विशाल शेखर का म्यूजिक ठीक है कुछ सॉन्ग जैसे तेरा रास्ता छोड़ो ना और एक दो तीन सुनने में अच्छे लगते हैं और कभी गुनगुनाए जा सकते हैं लुंगी संग फुट टाइपिंग है शाहरुख खान की मौजूदगी में बाकी एक्टर्स को कर करने के लिए कुछ खास बचता नहीं है पर फिर भी निकेतन अच्छे लगे हैं वो तो अगर शाहरुख के प्रेशर में ना कर केवल अपने ही तरीके से काम करते तो फिल्म और भी बेहतर बनती पर प्रोड्यूसर से पंगा लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता खैर फिल्म एक बार देखना बनता है क्योंकि इसमें सभी वो चीज़ें हैं जो आपको पसंद है वैसे भी फेस्टिवल पर सीरियस कौन होता है इंजॉय करने का यह मूवी अच्छा बहाना है चेन्नई एक्सप्रेस शुरू होती है दादा पोते की कहानी से फिल्म में राहुल यानी शाहरुख खान अपनी परवरिश करने वाले दादा की मौत के बाद उनकी अस्थियां विसर्जित करने ट्रेन पर निकलता है रामेश्वरम की ओर लेकिन असल में उसकी प्लानिंग कुछ और ही है दरअसल वह चाहता है कि वह इस ट्रेन से उतर कर गोवा जाए और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करे लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है और वह ट्रेन से नहीं उतर पाता क्योंकि यहाँ उसे मिल जाती है मीना लोची यानी दीपिका पादोड़ और उसके बाद राहुल गोवा पहुँचने की जगह पहुँच जाता है चेन्नई जहाँ शुरू होता है भाग दौड़ और लुका छिपी का खेल फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का मकसद है लोगों को एंटरटेन करना जिसमें यह फिल्म कामयाब रही है यानी यह मास एंटरटेनर फिल्म है फिल्म में काफ़ी जगह अच्छी कॉमेडी और अच्छे सीन हैं डायलॉग भी काफ़ी मजाकिया लिखे गए हैं चालीस की उम्र में राहुल यानी शाहरुख खान के किरदार पर क्या टिप्पणी करे क्योंकि शाहरुख खान अपने ही अंदाज के मालिक हैं और यहाँ तक कि बादशाह भी उधर दीपिका पातकोर ने भी दक्षिण भारतीय लड़की के किरदार को बाखूबी निभाया मीना की भूमिका में जान डाल दी है फिल्म में शाहरुख खान ने अपनी ही पुरानी फिल्मों के सीन और पुराने डायलॉग्स को काफ़ी मजाकिया अंदाज में पेश किया है जिन्हें देखकर और सुनकर हंसी आती है डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपने अंदाज़ के सिनेमा के लिए जाने जाते हैं और वही चेन्नई एक्सप्रेस में भी नज़र आता है लेकिन जब शाहरुख खान और रोहित शेट्टी जैसे दो मास्टर एक साथ आए हों तब उम्मीद की जाती है कुछ ज़्यादा की कुछ नए की यानी कॉमेडी और रोमांस के भरपूर तड़के की इस फिल्म में कॉमेडी और एक्शन तो है लेकिन शाहरुख खान के होते हुए भी रोमांस की कमी है उधर फिल्म की कहानी में नयापन नहीं है क्योंकि बिना मलजी के करवाई जा रही शादी से भागती लड़की की कहानी हम कई बार देख चुके हैं और हीरो उसे कैसे बचाता है यह भी हमने फिल्मों में देखा है बस नया कुछ है तो वह है साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया का मिलन शाहरुख खान के बाकी फिल्मों के मुकाबले चेन्नई एक्सप्रेस का संगीत भी साधारण है सो चेन्नई एक्सप्रेस का सफ़र हसीन तो है लेकिन कुछ नया नहीं है 9 अगस्त 2013 को रिलीज हुई थी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस इसको रिलीज हुए छः साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नज़र आई थी रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी और कई रिकॉर्ड्स भी बनाए थे इस फिल्म में दीपिका पहली बार साउथ की लड़कियाँ के किरदार में नज़र आई थी और उनका रोल लोगों को काफ़ी पसंद आया था चेन्नई एक्सप्रेस में पहली बार रोहित शेट्टी और शाहरुख खान साथ काम किए थे इसके गाने से लेकर डायलॉग तक सब कुछ काफ़ी फेमस हुआ था लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लिए देविका पातकोड़ पहले पसंद नहीं थी आइए हम आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्से नंबर वन फिल्म का गाना वन टू थ्री काफ़ी पॉपुलर हुआ था और इसमें नज़र आने वाली साउथ की एक्ट्रेस प्रियामढ़ का डांस भी लोगों को काफ़ी पसंद आया था लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि प्रियामढ़ का बॉलीवुड कनेक्शन है ये विद्या बालन की कजिन है नंबर टू बॉलीवुड में दीपिका पादकोर से पहले रोहित शेट्टी ने यह रोल करीना कपूर को ऑफर किया था करीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें फिल्म ऑफर हुई तब वो तालाश को अपने डेट्स दे चुकी थी और इसलिए इसे ना कहना पड़ा नंबर थ्री सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं फिल्म का टाइटल चेन्नई एक्सप्रेस भी रोहित शेट्टी की पहली पसंद नहीं थी रोहित उसे साउथ टच देने के लिए इसका नाम रेड्डी स्टडी पो रखना चाहते थे लेकिन फिल्म में ट्रेन से दीपिका और सेहरू की प्रेम कहानी का, का कनेक्शन जोड़ने की वजह से इसका नाम चेन्नई एक्सप्रेस रख दिया गया और रेड्डी स्टडी पो को इसके टाइक की तरह इस्तेमाल किया गया नंबर फोर इस फिल्म में दिखाया गया कि ऊटी का खूबसूरत सीन आपको काफ़ी पसंद आया होगा नंबर फोर इस फिल्म में दिखाया गया ऊटी का खूबसूरत सीन आपको बहुत पसंद आया होगा लेकिन ये सीन ऊटी में शूट नहीं हुए थे बल्कि वहाँ के लोकेशन को पंचगनी में क्रिएट किया गया था फिल्म के आर्ट डायरेक्टर नरेंद्र रोहारकर ने अपनी काबिलियत दिखाते हुए इस काम को अंजाम दिया था नंबर no. फाइव इस फिल्म में दीपिका पातकोड़ के साथ एक सीन शूट करते वक्त शाहरुख खान घायल हो गए थे इस वजह से उन्हें बाद में अपने कंधों की सर्जरी भी करनी पड़ी थी नंबर no. सिक्स चेन्नई एक्सप्रेस पहली बॉलीवुड फिल्म बनी जो इंडिया और पेरू दोनों जगह एक साथ रिलीज हुई थी अगर आप शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस को उस साल की बिगेस्ट रिलीज मान रहे हैं तो गलत हो सकते हैं बिगेस्ट तो नहीं लेकिन यह फिल्म ऐसी है कि अगर आप इसे देखोगे तो गारंटी बोर नहीं होगी और अगर ना देखी तो भी चलेगा यानी कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो आपने आप में कभी ना सुनी हो लेकिन हाँ कॉमेडी इंटरटेनिंग है चालीस साल का सिंगल मर्द अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना चाहता है पहले दादाजी राहुल से अधिक प्यार करने के चलते उसे शादी करने नहीं देते फिर उसकी मौत के बाद जब राहुल गोवा जाने वाला होता है तब दादी जी राहुल को दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रामेश्वरम भेजना चाहते हैं दादी को बेवकूफ़ बनाकर गोवा जाने के चक्कर में उसे चेन्नई एक्सप्रेस पकड़नी पड़ती है बस उसी ट्रेन में हीरो यानी शाहरुख खान यानी दीपिका को उसके गुंडे भाइयों से बचाने की कोशिश करता है और यही से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के स्टाइल में चल पड़ती है एक लव एक्सप्रेस चेन्नई में कम्बन गांव के डॉन की बेटी होती है चेन्नई में कोम्बन गांव के डॉन की बेटी होती है मीढ़ा जो अपने अप्पा के पसंद से लड़के से शादी नहीं करना चाहती और भाग रही होती है इसी चक्कर में डॉन राहुल की ज़िंदगी का भी दुश्मन बन जाता है फिर कैसे राहुल हिम्मत जुटाता है और अपने भाई से कई ज़्यादा तगड़े गुंडों और डॉन दुर्गेश्वर से भिड़ता है और अंत में दिमाग नहीं दिल से सभी को जीतता है यही है चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी रोहित शेट्टी की इस कॉमेडी एक्शन फिल्म में एक्शन तो है लेकिन एकदम आम इसलिए फिल्म में सिंघम, दबंग और खिलाड़ी के एक्शन की उम्मीद ना करें जहां तक बात कॉमेडी की है तो आपको यह फिल्म देखने के दौरान आपको हंसी आएगी इसकी तीन वजहें हैं नंबर वन आम तौर पर जब भी कोई आपके सामने जानबूझकर किसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो आप समझते नहीं हैं तो आपको हंसी आती है बिल्कुल ऐसे ही फिल्में कॉमेडी की अहम वजह है तमिल भाषा जो देविका यानी चेन्नई की मीना वह मीना लोचनी तो ठीक से जानती है लेकिन मुंबई के रहने वाले शाहरुख खान नहीं समझते और तमिल भाषा के हर शब्द का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं गलत उच्चारण भी करते हैं इसी वजह से लोगों को हंसी आ जाती है हालाँकि ये खबरें भी थी कि साउथ इंडियन कम्यूनिटी ने इस पर ऐतराज़ भी जताया है लेकिन तब दीपिका ने यह सफाई दी थी कि रोहित शेट्टी और वो खुद भी साउथ इंडियन ही हैं इसलिए ऐसा नहीं करेंगे जैसा दीपिका के पिता का किरदार निभा रहे सत्यराज जब शहरुख से तमिल भाषा में बात करते हैं और कहते हैं कि तमिल मेरी माँ है तब तमिल भाषा नहीं जानने वालों को हंसी आती है इसके जवाब में शहरुख कहते हैं यह मेरी माँ के बारे में क्या बोल रहा है दिलचस्प बात यह है कि कहानी में कॉमेडी के लिए शहरुख ने अपनी खास फिल्मों की लाइनें ही चुनी हैं जैसे आई एम राहुल एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट इस बात में कोई दौरा नहीं है कि शहरुख को रोमांटिक और डॉन वाले किरदार ज्यादा शूट करते हैं शहरुख ने इस फिल्म के साथ पहली बार फुल कॉमेडी में हाथ हजमाया है कहीं कहीं पर आपको शहरु के एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर नजर आएंगे फिर भी शहरुख ने कॉमेडी इसलिए खींच ली क्योंकि साजिद और फरहाद ने कॉमेडी डायलॉग्स अच्छे लिखे हैं रोहित शेट्टी की फिल्म और गाड़ियों के साथ स्टंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता लेकिन खास बात यह है कि फिल्म में डबल मीनिंग कॉमेडी नहीं है यानी पूरा परिवार इस फिल्म को साथ बैठ देख सकता है इसके अलावा फिल्म देखने की पांच वजह सुपर स्टार शाहरुख खान जो करोड़ों दिलों की धड़कन का बादशाह है इस बार सलमान नहीं बल्कि शाहरुख ने ईद पर फिल्म रिलीज की थी ऐसे में खान की ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ गई थी फिर शाहरुख की पॉपुलैरिटी तो सात समंदर पार ही थी अब तो सलमान और शाहरुख खान भी दोस्त बन गए थे यानी सलमान के फैंस शाहरुख के ऐसे में टिकट खिड़की पर लंबी लाइन तो तय थी नंबर टू फिल्म में कोई भी एस्टिमेट सीन नहीं है ऐसे में आप पूरे परिवार के साथ यह फिल्म देख सकते हैं नंबर थ्री साल 2007 में देविका ने शहरू के अपोजिट फिल्म ओम शांति ओम में अपना डेब्यू किया था ऐसे में दर्शक यह जरूर जानना चाहते थे कि इस बार दोनों की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी नंबर फोर शाहरुख को दीपिका से जब कोई सीक्रेट बात कहनी होती है तब वो गाना गाकर अपनी बात कहते हैं और दीपिका भी हिंदी में गाना गाकर जवाब देती हैं ताकि उनका कोई तमिल भाषी रिश्तेदार समझ न जाए यह फिल्म का बेस्ट पार्ट है साउथ की स्टार प्रियमड़ी का आइटम नंबर आपका दिल लुभाएगा और आपको डांस फ्लोर पर जाने के लिए मदद करेगा नंबर फाइव डायरेक्शन में रोहित शेट्टी की अपनी छाप है आप यह भी कह सकते हैं कि यह फिल्म शाहरुख नहीं रोहित शेट्टी की है इससे पहले भी रोहित गोलमाल सीरीज की फिल्मों में कॉमेडी में अपनी स्टेप लगा चुके हैं रोहित की कॉमेडी फिल्म बोल बच्चन और एक्शन फिल्म सिंघम ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था कॉमेडी में रोहित की महारत देख ही शाहरुख ने इस फिल्म के लिए पहली बार में हामी भर दी थी खुद साउथ इंडियन होने का रोहित और दीपिका ने पूरा फायदा उठाया